हमारे जहन में उतर पाती हैं वो बातें, हम लोग उन लेसन को पक्का कर पाते हैं। और इतनी सारी जब बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक बात ऐसी जरूर होती है जो हमारी जिंदगी को छूके जाती है, उससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि बच्चों उस आनंदम एक्टिविटी को केवल एक्टिविटी ना समझें, उसको अपने जीवन के अंदर उतारने की कोशिश करें ताकि हम लोग एक बेहतर इंसान बन सकें। यू नो वी आर अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, दैट इज व्हाट वी शुड ऑल स्ट्राइव टू डू दैट। और यही कोशिश रहती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, वरना चार किताबें तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जब कॉलेज आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अपनी बातें शेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती हैं और यही हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अब थोड़ी देर में डॉक्टर संजय बियानी सर हमको ज्वाइन कर लेंगे, इट इज 9:55, तो मे बी अनदर 5 मिनट्स एंड देन वी गो टू स्टार्ट द सेशन। पर ये बातें टीचर सब सुन चुके हैं, तो हम लोग एक एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं किसी टीचर का। स्मृति मैम, इफ यू कैन हियर मी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? स्मृति मैम? हाँ जी मैम, बताइए। मैम आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये सेशन हम सब ने अटेंड किया था और आज हम ये इतना अच्छा लगा तो हमने सोचा कि क्यों ना इस इंफॉर्मेशन को, इस बात को बच्चों के साथ भी शेयर किया जाए। और घर पे बच्चे जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हों, छोटे बड़े भाई बहन हो, दोस्त हों, तो बच्चों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो आपको यूट्यूब लिंक दिया गया है ये आप लोग सबके साथ शेयर कीजिए। यस मैम, और जूम पे मैम अपने 100 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब सभी लोग जो है वो अपने बच्चों को बोलें कि यूट्यूब पे जाके वो हमारे साथ में जुड़ जाएं। बिल्कुल, अपने फ्रेंड्स को भी आप क्लास के ग्रुप पे डाल दीजिए कि अब यूट्यूब पे जुड़ जाए, बिकॉज 100 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट है इसमें। और हाँ स्मृति मैम, अब आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आवाज आ रही है मेरी मैम? यस मैम। अच्छा, मेरा ना एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा रहा कि अभी जैसे सर ने पहले उस दिन सेशन लिया था, फिर सर ने उसमें करेक्शन के लिए कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह ये सब के लिए भेजा था, तो मैंने जब पढ़ा उस सेशन को और मैंने अपनी लाइफ में रिलेट किया, तो मुझे जो एक बात जो बहुत ही अच्छी लगी ना, कि जिससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना वो जरूरी नहीं है वो ही हमारे लिए करे। मेरे साथ इंसिडेंट्स भी हुआ था जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था और सर के साथ भी शेयर किया था, कि कोविड के टाइम पर कुछ ऐसा हुआ था, मेरे हस्बैंड एडमिट थे, तो मैंने जिससे एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि वो मेरी हेल्प करेगा या मुझे थोड़ा मॉरल सपोर्ट देगा, उन लोगों ने नहीं करी। और जिनको मैं समझती थी कि ये तो कभी कुछ काम नहीं आने वाले, ना मैंने उनका कभी कुछ अच्छा किया, उन लोगों ने मेरे मतलब आउट ऑफ दी बॉक्स जाके उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ से उसको रिलेट किया, तो ये चीज ना एक मतलब एक जो मुझे इसका एग्जाम्पल जो लगा था ना विदाउट एक्सपेक्टेशंस, और एक जो लव होता है इस अनकंडीशनल जो एक माँ बच्चे के लिए करती है, तो ये सब चीजें कुछ अच्छी लगी थी मुझे, अच्छी चीज थी वो। यस मैम, थैंक यू स्मृति मैम, एंड यस लाइफ एग्जाम्पल्स हमेशा हमें जो एक्चुअली लव का मीनिंग और सेंस हम को सराहत समझाना चाह रहे हैं वो हमारे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ही हमको ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं, क्योंकि जैसा कि सर ने बोला था इट्स नॉट फिजिकल, इट्स नॉट अट्रैक्शन, इट्स नॉट मोह, तो इन सब के आगे जाकर भी कोई चीज होती है जी, डिवाइन लव, डिवाइन लव। यस मैम, सो थैंक यू मैम। और मालती मैम, अभी आप हमको सुन पा रहे हैं? मनीष सर आप बताएं सर अभी उस दिन आपने सेशन नहीं लिया था, बट फिर भी आज जिस सेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में सर आपके व्यूज क्या हैं? मनीष सैनी सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, जी सर। मैडम मैं तो ये कहूंगा सेशन तो शायद मैंने नहीं लिया था, लेकिन सर की जो रामायण वाली जो थी ना उसको मैंने पढ़ा भी था और एग्जाम भी दिया था, उसमें कई सारी चीजें ऐसे सीखने को मिली है जिसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जैसे गुरु का सम्मान, पिता की डांट से सीखना और माता की भावना की कदर करना। ये तीन चीजें मैंने बहुत इम्पोर्टेंट उसमें देखी है, और वास्तव में अगर इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करें लाइफ में तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति कहीं नहीं रुक सकता। बिल्कुल सर, के प्रति, क्योंकि रामचंद्र भगवान ने वनवास गए थे, पिता की आज्ञा से गए थे, उनके गुरु का सम्मान किया था, और जब जब उनका जब वनवास में जाना हुआ तब तब उनके सामने ऐसी ऐसी कठिनाइयां आई है, तब भी उन्होंने अपनी आज्ञा का जो पालन था उसे वो विमुख नहीं हुए। तो हमें ऐसे कई सारी स्टेप हमारी लाइफ में आती है, तो हमें चाहिए
कि ऐसी स्थिति में हम इन चीजों को ग्रहण करके और कुछ सीखें जो रामायण ने सिखाया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और एग्जैक्टली जो भी आपने चीजें कही कि रामायण से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अब रामायण के बाद आज भी जो भी हम सेशन लेंगे वो डेफिनेटली हम सबके अंदर एक अच्छा चेंज, और सबसे चेंज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हम जो चीज जो एक कॉमन चीज है कि लव 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 प्यार, उसका मीनिंग हम अच्छे से अपने जीवन में उतार पाएंगे तो ये एक सबसे अच्छी बात होगी। सो थैंक यू सर। और इसके बाद मैं देख रही हूँ जैसा कि 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, तो प्लीज HODs एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि अपने स्टूडेंट्स को कहें कि YouTube पर जाकर सभी बच्चे हमको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही वो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपना नाम जरूर मेंशन करें, और साथ साथ ही सेशन के लास्ट में अगर वो डायरेक्टर सर से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कोई भी उनकी क्वेरीज हो, सो प्लीज अपने दिमाग में रखें ताकि एंड ऑफ द सेशन हम उनके क्वेश्चन को लेकर उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकें। सुनीता मैम BA डिपार्टमेंट से, मैम आप कुछ बताएं। कल सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेशंस, कल आपका PhD कंप्लीट हो गया है एंड इट्स अ वेरी बिग डील, ये एक बहुत ही खुशी की बात है। सो अभी तो आप वैसे भी बहुत खुश होंगे, सो प्लीज आप बताइए मैम कि अबाउट लव, क्योंकि मुझे पता है कि सर की बुक लिखने में, सर की राइटिंग चीजों में आप हमेशा बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, और प्लीज आप मैम कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने भी सारे एग्जाम्स दिए हैं, भगवद गीता को आपने अच्छे से पढ़ा, रामायण को आपने अच्छे से पढ़ा, और आज जो हम इस आनंदम एक्टिविटी के लिए, क्योंकि सर जैसा कि कहते हैं कि खुशी होना, सुख होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आनंद कुछ अलग है। सो आनंदम एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटी की एक अच्छी पहल है, इसके लिए जो आज हम अपना सेशन रख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है मैम? सुनीता मैम, ओके, सुनीता मैम को भी शायद लगता है आवाज नहीं आ पा रही है। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज आप अपना वीडियो भी 2 मिनट के लिए ऑन कीजिएगा। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन हम सभी की तरफ से मैम फॉर योर PhD। थैंक यू मैम। और मेरा आपको मानना यही है कि जिंदगी में बिना प्यार के कोई भी चीज संभव नहीं है, चाहे वो अपनी फैमिली हो, चाहे अपने स्टूडेंट्स हो। हम लोगों को स्टूडेंट्स के साथ भी उसी तरह से बिहेव करना है लाइक अ चाइल्ड। अपने बच्चों से जिस तरह से हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा करेगा, तो यदि हम प्यार के जरिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाएं तो नो डाउट वो प्रोग्रेस करते हैं। और सर के सेशन में बिना, सर ने यही चीज समझाई है हम लोगों को कि प्यार से अगर किसी चीज को डील की जाती है तो 100% रिजल्ट आता है। और मैंने तो यही चीज सीखी जिंदगी में कि जब भी आप किसी से मिले तो आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, ताकि सामने वाले का दर्द आप खत्म कर सकें। क्योंकि वो तो हम आपको प्रैक्टिकली देख ही लेते हैं, जब से भी हमारी आपकी गुड मॉर्निंग या गुड विश होती है तो आप एकदम खुश होकर हमें बड़ा अच्छा सा विश करते हो। तो वो आपकी पॉजिटिविटी, वो आपका प्यार, वो आपका स्नेह ना ट्रांसफर हो जाता है दूसरी तरफ भी। यस मैम, तो मैं तो यही कहूंगी कि सर वास्तव में हमारे अंदर एक सर के द्वारा भी हमारे अंदर प्यार भरा जा रहा है, जिससे कि हम खुद पॉजिटिव होकर के और बच्चों से डील कर सके। और नो डाउट आने वाला भविष्य हमारे बच्चे ही हैं। अगर उनके फेस पे मुस्कुराहट हमने नहीं दी और एक बर्डन उनको दे दिया तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक टीचर होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य और दायित्व दोनों है कि हम बच्चों के फेस पे पहले मुस्कुराहट दें। लर्निंग तो वो करते जाएंगे, लेकिन यदि मुस्कुराहट हमने छीन ली तो लर्निंग असंभव हो जाती है। तो मैम हम तो उनको हंसी और खुशी दे सकते हैं, यही प्रेम है, यही सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, एंड आई थिंक यूट्यूब पर भी हमारे साथ कई सारे व्यूअर्स यहाँ पर जुड़ गए होंगे, क्योंकि जो हमारे कॉलेज का पार्ट शायद नहीं भी है, लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग भी, ऐसे कई लोग होंगे जो स्टेटस के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू अगर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेशन है जो कि जनरली मुझे नहीं लगता कि किसी भी कॉलेज में किसी भी एक्टिविटी का पार्ट कभी रहा होगा, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा सेशन जो हमारे डायरेक्टर सर ने स्टार्ट किया है। तो अगर आपकी कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं हमारे बीच और प्रिंसिपल्स, सॉरी डॉक्टर एकता मैम, मैम आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Let's welcome Sanjay sir, he's already here. Okay, okay.
जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सब लोग संडे के बावजूद आप लोग इतनी एनर्जी के साथ यहाँ बैठे हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इट इज अ लाइफ चेंजिंग, है ना। और आप सब लोगों ने जिस शिद्दत के साथ और डिवोशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द प्रिंसिपल मैम, मोनिका मैम एंड ऑल द स्टाफ मेंबर। मुझे हिना मैम भी दिखाई दे रहे हैं। आइए एक बार थोड़ा सा दो मिनट के लिए कैमरा ऑन कर लेते हैं और हम अपनी अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बाद आज तक का सबसे शानदार सेशन स्टार्ट होगा। मुझे लगता है इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, कुछ भी आप पा सकते हैं उससे। सो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ सुनीता मैम को, माधुरी मैम को, स्मृति मैम को, शिल्पा वार्गव मैम को, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी संडे। और श्वेता मैम को भी देख रहा हूँ, जो योग आप जिस तरह से बच्चों को योग सिखाते हैं, जिस प्रेम से सिखाते हैं, उनको डांस सिखाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। और शिल्पा भार्गव मैम के डिवोशन को देखता हूँ तो जिस शिद्दत के साथ वो काउंसलिंग करती है, ये प्यार ही तो है, ये मोहब्बत ही तो है, ये कर्म ही तो पूजा है। तो आइए ये सब बातें करेंगे और मुझे लगता है कि मैं आज आपको जौहरी बना दूंगा शायद, क्योंकि जौहरी पत्थर और हीरे की परख कर लेता है, वही जान लेता है कि पत्थर क्या है और हीरा क्या है। तो आज हम डायमंड जौहरी बनेंगे, आज हम जो है अपने लाइफ में जो है एक बेशकीमती चीज को सीखेंगे। कभी कभी देखिए ना गुस्सा आ जाता है, कभी देखिए हेटर्ड हो जाती है, तो एक क्या चीज है जिसे जानकर हम सबको जान सकते हैं, उसकी परख होनी चाहिए सो दैट हम ये जज कर सके कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो यही चीज आज हम इसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तैयार है, एक बार ताली बजा लेते, एनर्जी बढ़ा लेते। यस सर, तो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस सर। और देखें आज सभी लोग का कैमरा ऑफ है, लगभग एक बार ऑन कर ले सभी लोग, तो देख ले भाई सुन रहे हैं ना सब लोग, जागे हुए हैं ना, क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है ना नींद में गुजर जाता है, हम सोए सोए गुजर जाता है हमारा जीवन, और जीवन तो जागने का नाम है। वेरी नाइस, अभी कुछ कैमरा ऑन हुए हैं। चलिए संजना मैम सबकी स्टार्टिंग में सेल्फी भी खींच दो, एक स्क्रीनशॉट लो सबकी स्माइलिंग फेसेस। एक बार ऑन कर लेते हैं सब लोग तो देख लेते हैं भाई। मानता हूँ कि सब लोग कोई किचन में होंगे, कोई कुछ काम कर रहे होंगे, पर दिमाग चलते रहना चाहिए। अगर आप विजिबल अपने आप को दिखा सकते हैं तो आप ऑन हो जाए, वरना आप अपना काम भी कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि आपका जहन, आपकी आत्मा, आपकी सोल इस बात पे लग जाए तो मुझे पूरा विश्वास है आज जीवन बदलेगा, आज बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए शिद्दत चाहिए, उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए डिवोशन चाहिए। मैं ईश्वर से ये कामना करूंगा कि हमारा जो आने वाला समय है एक घंटा, हम लोग उसमें एक हो सके, हम लोग पूरी इन्वॉल्व होके सुन सके। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो बच्चे इसमें यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए वो लोग भी इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं दें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कोई जरूरी नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, हम सब लोग एक ही है, हम सब लोगों के पास समान ही शक्ति है। तो आप लोगों की जो वैल्यूएबल कमेंट होंगे वो बहुत ही प्रीसियस होंगे, पर मैं ये आपसे अपेक्षा करूंगा कि एक घंटे आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, आपके पास पेन और कॉपी भी हो। और मैं ये आपसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो आफ्टर द सेशन मुझसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाए। मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे इनरिच करें, मैं आपको कुछ समझाने की, कुछ बताने की, कुछ जौहरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप भी मुझे बताएं, प्रतिक्रिया दें। सो क्या सब लोग तैयार हैं? हाँ जी सर। हमारे जूम पे जो 100 पार्टिसिपेंट है और सैकड़ों लोग जो यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं, वो मुझे रूबरू कराए सच्चाई से, वो मुझे रूबरू कराए अपनी प्रतिक्रियाओं से, वो मुझे कुछ करेक्ट भी करें। सो अब अधिक समय नहीं लेते, हम अपने सेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है डिवाइन लव, इसका नाम है सीक्रेट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है इससे बड़ा धरती पे कोई भी सीक्रेट नहीं है, लेकिन एक डायमंड को पता लगाने के लिए ये लगाना पड़ता है कि ये डायमंड वास्तव में असली है या नहीं है। कई बार हम पत्थर को डायमंड समझ लेते हैं, कई बार हम नकली चीज को असली समझ लेते हैं, और ये गलती हम अपने जीवन में अक्सर कर रहे होते हैं।
और वो गलती करने के बाद फिर रिवर्स होना भी पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी गलती ना हो, हम मिस्टेक ना करें और हम वास्तव में डिवाइन लव को समझ जाएं, क्योंकि उससे ना आपकी अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आप हेल्दी रह सकेंगे, क्योंकि आपका हेल्दी रहना लव पे बहुत निर्भर है। अगर आप प्रेम से भरे हैं आप स्वस्थ हैं, लेकिन आप घृणा से भरे हुए हैं आप अस्वस्थ हैं। आपकी रिलेशनशिप अगर खराब है आपका आपका मन खराब है, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो मुझे लगता है अगर आप अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं, अगर आप अच्छी रिलेशन कमाना चाहते हैं, आप बहुत सारा पैसा ऐश्वर्य कमाना चाहते हैं, आप जॉब बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका करियर बहुत शानदार हो, तो आपको अपने काम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपको प्रेम को समझना पड़ेगा। तो आइए हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन और क्या होगा आज के सेशन से, देखिए ना कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो क्या गुस्से को कम किया जा सकता है? इस धरती पे मुझे नहीं लगता किसी ऊर्जा को कम किया जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि दूसरी ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। तो वो कौन सी ऊर्जा है जिसको बढ़ाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है? एंगर खत्म हो जाता है, जेलस खत्म हो जाती है, ग्रीड खत्म हो जाती है, लस्ट खत्म हो जाती है। और इसी कारण शायद कृष्ण को हमने सबसे बड़ा अवतार के रूप में लिया, क्योंकि कृष्ण ने डिवाइन लव को एक्सप्लेन किया। लेकिन हम अपनी नजर से कृष्ण को देखते हैं तो कई बार हम कृष्ण की भी गलत व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि हर आदमी वही बाहर देख पाता है जो वो खुद होता है। तो हमने कृष्ण को भी नहीं समझा। तो कृष्ण को शायद संजय ने सुना होगा, तभी भगवद गीता लिखी गई। तो मैं आज वही संजय जो आज के मॉडर्न टाइम में कृष्ण को समझने के बाद एकदम लेटेस्ट और आपकी भाषा में आपको प्रेम की सच्ची परिभाषा, प्रेम का मतलब, प्रेम की उपयोगिता, क्या चीज होती है जिसे हम प्रेम कहते हैं, क्या चीज होती है जिसको हम प्रेम नहीं कह सकते, उन सब की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से अपेक्षा करूंगा, विचार नहीं है, प्रेम तो अनुभव है। जैसे मैं आपको कोई एक स्पेशल कोई मिठाई खिलाऊं और बोलूं बताओ कैसे लगी, तो आप अपने विचारों से नहीं बता पाएंगे। जो चीज अनुभव की है उसके लिए एक अलग ही भाषा है जिसको हम भीतर में जाके फील कर सकते हैं। तो आइए वो हम फिर भी विचारों से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है यूथ बहुत सी बातें सुनना चाहता है, पर स्कूल और कॉलेजेस में ये बातें पढ़ाई नहीं जाती, और इसके बिना हमारा यूथ बहुत सी गलतियां भी कर बैठता है, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये प्रेम है, जबकि वो तो प्रेम होता नहीं। उसको लगता है ये हीरा है, पर वो तो हीरा होता नहीं, वो तो पत्थर होता है। तो डायमंड को कैसे जाने, जिस डायमंड को जानने के बाद जिंदगी की सब चीजों को जाना जा सकता है, जिसके बाद में कुछ भी बाकी नहीं रहता जानने को, जिसके बाद में हमारे को खुशी नहीं होती बल्कि अनलिमिटेड खुशी होती है, क्योंकि उस अनलिमिटेड खुशी का नाम है आनंदम, आनंद होना। खुशी के बाद तो दुख होता है, लेकिन आनंद के बाद हमेशा ही आनंद होता है। आनंद के आगे भी आनंद, आनंद के पीछे भी आनंद, आनंद के आगे भी खुशी, आनंद के पीछे भी खुशी। तो काश हमें कुछ ऐसी खुशी मिल जाए जिसके बाद में कभी हमें दुखी होना ही ना पड़े। तो आइए ऐसी बातें जो हम करीबन 30 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना चाहेंगे, 30 पॉइंट में हम इस बात को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो पुनः एक बार मैं आपको आपकी स्वीकृति चाहता हूँ ताली द्वारा, ताकि मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर सकूँ। वो 30 महत्वपूर्ण बातें जिससे हम डायमंड यानी हीरे को पहचान सके हैं। यस, वेरी नाइस। तो पॉइंट नंबर 1, आइए हम जाने, और ये आनंदम एक्टिविटी का शायद बेस यही रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रेम जो है वो अटैचमेंट नहीं है। अगर हमें किसी से जुड़ाव हो जाता है तो क्या प्रेम है? जैसे एक माँ को अपने बेटे से जुड़ाव हो गया, एक पापा को अपने बच्चे से जुड़ाव है, तो क्या ये अटैच होना प्रेम है? जिसमें एक पिता अपने बच्चे से वो करवाना चाहता है जो वो खुद चाहता है, जो कि बच्चे के इंटरेस्ट को नहीं देखता, वो अपनी समझ अपने अनुभव के हिसाब से ही बच्चे को बदलना चाहता है, इज इट लव? एक पति अपने पत्नी को बदलना चाहता है, एक पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, ये तो गिरफ्तारी हो गई शायद, ये तो बंधन हो गया, ये तो बांधना हो गया। प्रेम हमेशा मुक्ति यानी लिबरेशन की तरफ ले जाता है। अगर हम किसी से अटैच नहीं है, अगर हम किसी से मोहित नहीं है, तो ये प्रेम हो सकता है? क्योंकि प्रेम वास्तव में फ्रीडम देता है, वो आपको फ्रीनेस का अनुभव कराता है, वो आपको बंधन का अनुभव नहीं कराता, वो आपके चेहरों को लंबा नहीं करता, बल्कि फ्रीडम के कारण आपके चेहरे खिलने लगते हैं। अगर आपके चेहरे लंबे हो रहे हैं
तो आप मोह से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आप हंस सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप दूसरे को उनकी इच्छाओं को स्वीकार सकते हैं, आप दूसरे की शख्सियत को स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें काम करने का पूरा अवसर देते हैं, मुझे लगता है आप प्रेम में है। और अगर आप किसी को गुलाम बना लेते हैं, आप किसी के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो ये प्रेम नहीं है, क्योंकि ना तो आप कब्जे में रहना चाहते हैं और ना कोई दूसरा भी कब्जे में रहना चाहता है। मैंने एक बात बताई, और मुझे लगता है मोह में कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है, जैसे कभी हमने अभी रामायण की चर्चा हो रही थी, शायद मनीष सर उसके बारे में बता रहे थे, तो मुझे लगता है राम के पिताजी दशरथ शायद मोह में ग्रसित हो गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि वो सही फैसला ही नहीं कर पाए। हमारे फैसले भी गलत हो जाते हैं क्योंकि हम मोह में फंस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम डिटैच रह सके, अगर हम अपने आप को मुक्त कर सके, तो हम जिंदगी में सही फैसले ले सकते हैं। मुझे लगता है कि मोह में फंसा व्यक्ति उस मकड़ी के जाल की जैसे हो जाता है, जिसमें वो मकड़ी खुद ही फंस जाती है और फिर खुद ही खत्म हो जाती है, वो चारों तरफ ऐसा ताना बाना बुन लेती है कि उसके बाद में वो मकड़ी जीवित नहीं रह पाती। आइए पॉइंट नंबर दो की तरफ चले। पॉइंट नंबर टू, जो भाव बाहर से संचालित हो रहे हैं वो प्यार नहीं हो सकता, और जो भीतर से प्रवाहित हो रहे हैं वो प्रेम हो सकता है। आपकी कुछ चीजें भीतर से आती है, आपको देने की भावना भीतर से आती है, लेकिन बाहर कुछ चीजों को देखते हैं और आपको लगता है ये मेरे पास भी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये प्रेम नहीं है। तो जो बाहर, दो शब्द का अंतर हमें समझना पड़ेगा। पहला है प्रवाहित होना और एक है प्रभावित होना। अगर आप बाहर की दुनिया से चकाचौंध से आप प्रभावित हो रहे हैं तो ये प्रेम नहीं है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जो देने के लिए मचलती है, आप किसी को बोल पड़ते हैं मैं हेल्प यू, किसी को बोल देते हैं आप थैंक यू, किसी के प्रति आप कृतज्ञ हो जाते हैं, झुक जाते हैं, नम जाते हैं, उसे देने की इच्छा करते हैं, तो मुझे लगता है ये प्रेम हो सकता है। तो प्रवाहित हो रहा है या प्रभावित हो रहा है, आपको अंतर करना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में जौहरी बनना चाहते हैं और एक शानदार जिंदगी पाना चाहते हैं तो आपको प्रवाहित होना पड़ेगा, आपको भीतर से खुद को समझना पड़ेगा, आपको ये पता लगाना हो कि ये प्रेम जो सच्चा है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रेम का जो कारण है ये कहीं बाहर है कि भीतर है। पॉइंट नंबर दो, आइए चलते हैं पॉइंट नंबर तीन। लोभ ग्रीड अतीत में रहता है, कामनाएं हैं भविष्य में रहना है, और प्रेम तो वर्तमान में रहना है। तो देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में तीन काम होते हैं, एक तो वो जो गुजरा हुआ दिन है, एक वो जो आज गुजार रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, हम आज के समय को व्यतीत कर रहे हैं, ये वर्तमान में रहना है। और एक और चीज होती है जिसमें हम भर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तो मुझे लगता है जिसको हम काल कहते हैं, जिसको समय कहते हैं, ये तीन भागों में बैठा होता है। लेकिन प्रेम वर्तमान में रहना है, और मुझे लगता है वर्तमान में रहना ही सच है, आप और हम बात कर रहे हैं यही सच है। लेकिन मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ वो तो असत्य है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। एक जो गुजरा हुआ कल है वो भी झूठ है, क्योंकि अब उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास कोई चीज मिली है और उस मिली हुई चीज को हम पकड़े हुए हैं, तो इसे आप ग्रीड कह सकते हो, इसे आप लोभ कह सकते हो, ये प्रेम नहीं है। पर अक्सर लोग उसको प्रेम समझने लगते हैं, अपने गुजरे हुए दिनों को प्रेम समझने लगते हैं। एक वो समय है जो आप कुछ पाना चाहते हैं, आप भविष्य में खो गए, आप भविष्य की तरफ बारे में सोचने लग गए, ये भी प्रेम नहीं है, ये भी एक झूठ है, और ये भी जो है अनरियल है। एक तो ग्रीड है और एक कामनाएं है, ये कामना है। अगर आप भविष्य में रहते हो कामनाओं में रहते हो, आप भूत में रहते हो, आप ग्रीड में रहते हो, आप वर्तमान में रहते हो, आप प्रेम में रहते हो। तो आप ये देख लीजिए, जिसको वास्तव में जीना है वो प्रेम में रहे, जिसे हाइपोथेटिकल जिंदगी जीनी है, जिसे एक डेलिमा में जीना है, वो सोचता रहे, वो लोभ में फंसा रहे, वो भूत में फंसा रहे, वो भविष्य में फंसा रहे। फैसला आपका है, आपको क्या करना है। आइए पॉइंट नंबर चार पे चलते हैं, प्रेम को समझने का बिंदु संख्या चार। देखिए इसको, इसके बारे में, प्रेम जिससे करोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। आप जिससे प्रेम करते हैं वैसे ही बन जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने कार से बहुत प्रेम करते हैं, सुबह उठते हैं और कार को पोंछना चालू कर देते हैं, उसको चंपी करते हैं, उसे चमकाते हैं, शाम को आते हैं उनके कार पे कोई भी एक खरोच लग जाती है वो उसे बहुत पीड़ित हो जाते हैं। कुछ लोग तो रोने तक लग जाते हैं अपनी अपने व्हीकल के ऊपर, अगर कोई स्क्रैच भी आ जाती है वो बहुत तड़पने लग जाते हैं। अगर आपको ऐसी मोहब्बत कार से है तो आप समझना कार जैसे ही बन जाओगे। और अगर आप किसी के कहने से किसी पत्थरों को पूजने लग गए हो और आपके अंदर कोई भावना ही नहीं है और आप देखी देखी बातें कर रहे हो,
आज भी मैं, कल मैंने कई लोगों से सुना कि खाटू श्याम में बहुत भीड़ लगी हुई थी और तिरुपति बालाजी में तो पांव रखने की जगह भी नहीं है, और ये हम एक भीड़ दूसरी भीड़ का पीछा कर रही है, हर रविवार हर सोमवार को इतनी भीड़ हो जाती है कि पांव रखने की जगह नहीं रहती, लोग पत्थरों को पूजने लग जाते हैं, मन में किसी तरह का भाव नहीं होता, बस पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ऐसे इंसान पथरीले हो सकते हैं? जिस चीज की हम पूजा करते हैं, जिस चीज से हम प्रेम करने लगते हैं, अगर वो ये वो मैटरिस्टिक चीज है तो मैटर बन रहे होते हैं, और अगर वो चैतन्यता है, वो अवेयरनेस है, तो हम भी अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप ही ये टेस्ट लागू करके देख लीजिए कि आप अपने जीवन में अगर कंप्यूटर से प्रेम कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर जैसे बन जाएंगे, अगर आप मोबाइल से प्रेम कर रहे हैं तो आप मोबाइल जैसे बन जाएंगे, अगर आप चैतन्यता से प्रेम कर रहे हैं, आप लोगों से प्रेम कर रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं की कदर कर रहे हैं, आप कृतज्ञता से भर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से आप चैतन्यता यानी अवेयरनेस यानी ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। तो फैसला आपका है कि आपको क्या चाहिए, आपको एक नकली पत्थर चाहिए, असली डायमंड चाहिए, आपको प्रश करना पड़ेगा, आपको तलाशना पड़ेगा। आइए पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। प्रेम कामनाओं या चाहतों की पूर्ति नहीं बल्कि समर्पित होना है। अगर एक पत्नी अपने पति से प्रेम चाह रही है और एक पति अपने पत्नी से प्रेम चाह रहा है, ये तो मांगना हुआ, ये तो ऐसा हुआ कि एक भिखारी दूसरे से कोई भीख मांग रहा हो, मेरे पास नहीं है तुम दे दो, और दूसरा भी यही सोच रहा है मेरे पास भी नहीं है तुम दे दो, तो भिखारी एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? प्रेम मांगना ही नहीं है, प्रेम तो देने का नाम है। अगर आप मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा तो ये आपकी कामनाएं हो सकती है, ये प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति तो कुछ मांगता ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको अपना नाम भी रखना हो तो आप मांगीलाल ना रखिए, देवीलाल रखिए, क्योंकि देने का मतलब प्रेम है। प्रेम एक अनुभव की बात है, जो आप देते तो भी आपको होता है, मांगते तब नहीं होता। आइए हम एक फिर नए पॉइंट पे चलते हैं। प्रेम कारण नहीं, प्रेम अकारण होता है। प्रेम कारण से नहीं होता, अगर कोई कारण है तो समझ लेना फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो व्यापार हो सकता है, फिर वो कुछ और कुछ हो सकता है। जहां कारण होता है वहां प्रेम कहां? प्रेम तो पेड़ से भी हो सकता है, पौधों से भी हो सकता है, चिड़िया से भी हो सकता है, जीव जंतुओं से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं प्रेम एक इंसान को दूसरे इंसान से, उसे पूरी सृष्टि से हो सकता है। आज चौथ है और लोगों को चौथ के चांद से प्रेम हो सकता है, उगते हुए सूरज से प्रेम हो सकता है। मुझे तो लगता है कि चांद को देखने का रिवाज मुस्लिम में भी है और हिंदुओं में भी है, और वो जो चांद है वो भावनाओं का प्रतीक है और भावनाएं प्रेम का प्रतीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप प्रेम में पड़े हैं तो आपको एक चिड़िया के पंख कटने का भी दर्द अनुभव होने लगता है, आपको एक जानवर की पीड़ा भी महसूस होने लगती है, तो समझ लेना कि आप प्रेम में पड़े हुए हैं। और अगर एक कोई करहा रहा हो कोई जानवर और आप उसके तरफ देखकर करुणा से नहीं भर जाते तो फिर आपको प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है, क्योंकि चैतन्यता का नाम जीवन है। आपका शरीर आप नहीं है, आपकी भावना भी आप नहीं है, आप परम चैतन्यता परम अवेयरनेस का आपका आप है। तो मुझे लगता है आपको ये भी समझना पड़ेगा पॉइंट नंबर 6। अगर आप वास्तव में डायमंड बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरह से समझूं, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पढ़ लिख कर कोई महान बनता है, ये ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो अगर वास्तव में आपको पंडित होना है, वास्तव में आप कबीर को मानते हैं, वास्तव में आपको कबीर की दोह पे विश्वास है, तो फिर आपको ये ढाई आखिर जो प्रेम के है वो मुझे लगता है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के बाद आपको एग्जाम की तैयारी करना भी आसान हो जाएगा, उसके बाद आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आप अपने करियर की तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि आज युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग है, और मुझे लगता है ओवरथिंकिंग का इलाज प्रेम है, क्योंकि ओवरथिंकिंग मांगने का नाम है। क्योंकि ओवरथिंकिंग के कारण आप बार बार चीजों को सोचते रहते हैं, भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, जो गुजरा है उसके बारे में, जो आने वाला कल है उसके बारे में, तो प्रेम ओवरथिंकिंग को खत्म कर देता है। मुझे लगता है कि एक ही ऐसी चीज है जिसको जानकर आप अपनी सारी समस्याओं खत्म कर सकते हैं। और आज अगर आप सर्च भी करें तो हर यूथ यही ढूंढ रहे हैं नेट के ऊपर, हाउ टू ओवरकम ओवरथिंकिंग। तो ओवरथिंकिंग का मतलब हो गया कामनाएं, ओवरथिंकिंग का मतलब हो गया पास्ट, गुजरा हुआ कल जिसका पश्चाताप हो रहा है, आने वाला कल जिसकी चाहत पैदा हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात भी अच्छे से समझनी चाहिए कि प्रेम जो है वो जो है ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 7,
प्रेम को खुद, प्रेम में खुद को कुछ बनाना नहीं होता बल्कि खुद को मिटाना होता है। प्रेम को, प्रेम में खुद को बनाना नहीं होता बल्कि खुद को मिटाना होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर खालीपन होता है, जब हमारे अंदर पहाड़ नहीं होता और हम नदी बन जाते हैं, तो नदी बहने लग जाती है, वो भर जाती है, उसमें खालीपन आ जाता है। लेकिन आप अहंकार के कारण बहुत पहाड़ से बने हुए हैं तो उसमें कुछ भी नहीं डाला जा सकता। तो खुद को मिटाना होगा, खुद को कम करना होगा, कभी सॉरी भी बोलना पड़ेगा, कभी कभी ग्रेटफुल भी होना पड़ेगा, कभी विनम्र भी होना होगा। तो ये जो खालीपन होगा, ये खालीपन को भरने के लिए प्रेम का जन्म होगा। लेकिन हम अहंकार की तरह, पत्थर की तरह बने हुए हैं तो वहां क्या जा सकता है भला। हम सबको बोलते तुम्हारे में ये कमी, तुम्हारे में ये कमी, तो फिर खालीपन कहाँ। और मुझे लगता है अहंकार शून्यता का नाम भी प्रेम है। तो खुद को मिटाने से आशय क्या है, खुद का क्या मिटाना है? क्या हमारी बॉडी को मिटाना है? क्या हमारे विचारों को मिटाना है? क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खुद को मिटाने का मतलब है अपनी ईगो को कम कर लेना, अपने अटैचमेंट को कम कर लेना, अपनी जेलस को कम कर लेना, ताकि ये जो होलो बनेगा, इस होलो के अंदर जो है प्रेम समाया जा सकता है। ये यहाँ पर कुछ खालीपन आएगा, इस खालीपन में ज्ञान भी डाला जा सकता है, प्रेम भी डाला जा सकता है। आइए पॉइंट नंबर 8 प्रेम के बारे में और आठवीं बात भी जाने। अगर आप को सिर्फ दो ही लोगों से प्रेम है, दो कौन लोग, दो महिलाएं भी हो सकती है, दो पुरुष भी हो सकते हैं, या आपको तीन महिलाओं से और तीन पुरुष से प्रेम है, तो ये झूठा हो सकता है। लेकिन आपको सबसे ही प्रेम है, आपको किसी से ईर्ष्या ही नहीं है, आपको अपने दुश्मनों को भी आप माफ करने के लिए तैयार है, आपको पूरी दुनिया के सब लोगों में ईश्वर दिखने लग गया है, तो ये प्रेम का के करीब है आप। लेकिन सिर्फ आप बोल रहे हैं कि नहीं, यही मेरा बेटा, यही प्रेम है, या यही मेरी पत्नी, इसी से मैं प्रेम करता हूं, तो फिर आप कोई झूठे प्रेम में फंसे हुए हैं। आप आसक्ति में हो सकते हैं, आप मोह में हो सकते हैं, लेकिन आपकी आपकी कुछ शख्सियत ऐसी है जिसमें आपको किसी में कुछ बुराई नहीं दिखाई देती, आपको सब में रब दिखाई देने लगता है, आप निश्चित रूप से प्रेम में फंसे हुए हैं। प्रेम में फंसना अच्छा है, लेकिन मोह में फंसना बहुत पीड़ादायक है, बहुत खतरनाक है। आइए पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं। प्रेम अंधेरा नहीं, ये तो स्वर्ग की रोशनी सी झलक है। प्रेम में अंधेरा नहीं है, ये स्वर्ग की रोशनी सी झलक है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ प्रेम जो है उसका, अगर है आपके जीवन में, तो ज्ञान भी आता है, ज्ञान जीवन में रोशनी लेकर आता है, और रोशनी के कारण आपको प्रकाश की अनुभूति होती है, दुख नहीं फील होता, अंधेरा नहीं लगता आपको, आपको जीवन में प्रकाश यानी ज्ञान की अनुभूति होती है। आइए पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। प्रेम अगर हो तो आप सामने वाले से वो करवाते हैं जो वो करना चाहते हैं, ना कि उनसे आप वो करवाते जो आप करवाना चाहते हैं। अगर आपको वास्तव में अपने बच्चों से प्रेम है, तो आप बच्चों से वो कराना चाहेंगे जो उनकी रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों से वो करवाना चाह रहे हैं जो आप खुद करना चाहते हैं, तो समझ लेना फिर आप में प्रेम नहीं है, ये आप में, ये आपका अहंकार हो सकता है, या आपकी आपकी कब्जा करने की इच्छा हो सकती है, और या कुछ और भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 11, प्रेम दान नहीं है, प्रेम दान है भिक्षा नहीं। मुझे लगता है प्रेम जब आपके जीवन में होता है तो आप कुछ सम्राट जैसे बन जाते हैं, कुछ विराट, कुछ बड़े, और अगर वो नहीं होता तो आपका चेहरा एक मांगने की भावना से भर जाता है, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अगर आप हर समय अपनी फरमाइश लेकर दूसरों के सामने खड़े रहते हैं, तो आप भिखारी हो सकते हैं, आप दानी नहीं हो सकते, आप प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेम तो देने का नाम है, प्रेम तो सम्राट हो जाना है, प्रेम तो बड़ा हो जाना है। अगर आप अपने जीवन में ये कहते हैं मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, आप हर समय किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, आपको एक अजीब सी चीज अनुभव होगी। हो सकता है आपकी कुछ पदार्थ या मटेरियल कम हो जाए, लेकिन जो आप अंदर से जो विशाल बन जाएंगे, जो अंदर से आपको सम्राट जैसा अनुभव होने लगेगा, ये बहुत विराट है, जो दिख तो नहीं रहा लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पॉइंट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रेम अपेक्षा ही नहीं है बल्कि बेशर्त देना है। अगर आपके प्रेम में शर्त है, आप कहते हैं मैं आपको ये दे रहा हूं तो आप मुझे क्या दे रहे, आपने कोई कंडीशन लगा रखी है, तो ये प्रेम नहीं है, ये बांधना है। प्रेम सिर्फ देना ही नहीं बल्कि बेशर्त देना है।
कि आप हमेशा सामने वाले की खुशी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको भीतर से सम्राट बनना होता है। पॉइंट नंबर 13, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये विकल्प रहता है कि प्रेम की सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरे या प्रेम की सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाए। प्रेम की सीढ़ी से नीचे उतरना, प्रेम की सीढ़ी से ऊपर चढ़ना, क्या है ये? देखिए, आप इसे अपनी कॉमन लैंग्वेज में दो तरह से कहते हैं, फॉलिंग इन लव। कभी गौर भी नहीं किया होगा फॉलिंग इन लव, आप फॉलिंग इन लव को ही लव समझ लेते हैं। फॉलिंग इन लव का मतलब होता है प्रेम में नीचे गिरना, सब स्टैंडर्ड। लेकिन एक शब्द और है, राइजिंग इन लव, प्रेम में ऊपर उठना। और इन दोनों का अंतर जानना बहुत जरूरी है कि फॉलिंग इन लव एंड राइजिंग इन लव में क्या फर्क है। श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो, उसमें श्री कृष्ण जब भी भगवद गीता में बोलते हैं तो वो भगवद गीता में कुछ वर्ड बार बार बोल रहे होते हैं, निष्काम कर्म, मेरी कामना ही नहीं, बिना कामनाओं की किया गया कर्म, हाँ ये प्रेम है, ये कर्म होते हुए भी प्रेम है। वो बोलते हैं अनासक्त कर्म, बिना अटैचमेंट के किया गया कर्म, आप किसी से अटैच ही नहीं है, बस आप उसे देना चाहते हैं पर उसे आप जोड़ते नहीं, उस पर कब्जा नहीं करते। तो मुझे लगता है अगर आप कामनाओं और वासनाओं में फंसकर किसी, तो आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, आप फॉलिंग इन लव, आप प्रेम में नीचे गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, आप अनासक्त भाव से जुड़े हुए हैं, तो आप राइजिंग इन लव की तरफ है। कभी कभी आपको लगता है कि ये मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है और मैं, दोनों एक से ही तो हैं। नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि आप और वो दोनों एक से हो। एक की नजर नीचे वाली सीढ़ी पर लगी हो सकती है और दूसरे की नजर ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ी पर लगी हो। एक छत की तरफ जाने की सोच रहा हो और एक धरातल पर जाने की सोच रहा हो, पर वो एक समय में एक ही सीढ़ी पर खड़े भी रह सकते हैं। लेकिन थोड़े ही समय में पता चल जाएगा कि कौन कहाँ गया, कौन तो फॉलिंग इन लव पे गया, कौन राइजिंग इन लव पर गया। मुझे लगता है हमारे जीवन का पर्पज राइजिंग इन लव है, हमारे जीवन का पर्पज अनासक्त कर्म है, हमारे जीवन का पर्पज निष्काम रूप से कर्म करना है, हमारे जीवन का पर्पज देना है, हमारे जीवन का पर्पज सम्राट हो जाना है। आइए पॉइंट नंबर 14 पे चलते हैं। प्रेम कभी हारता ही नहीं, अगर हार गए तो समझो ये प्रेम था ही नहीं, हारता तो सिर्फ अहंकार है। और प्रेम तो तभी रुकता है जब अपनी मंजिल पा लेता है, मुक्ति की, लिबरेशन की, आनंद की, परमात्मा की, तब प्रेम कहीं जाके रुकता, उससे पहले तो प्रेम रुकता ही नहीं। अगर प्रेम में अगर अब हम बार बार रुक रहे हैं तो समझ लेना ये फिर प्रेम नहीं है, प्रेम कभी भी नहीं हारता। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होगी उसी को पालेगा, फिर प्रेम उसी से पाया जा सकता है। आइए प्रेम पॉइंट नंबर 15, कई लड़कियों का नाम कमल से होता है, कमला, कई लड़के अपना नाम रख लेते हैं पंकज। पॉइंट नंबर 15 है, प्रेम को कमल से समझना ठीक है। अगर आप किसी को, किसी का नाम कमला है उससे भी प्रेम को समझ सकते हैं, अगर किसी का नाम पंकज है तब भी आप उस शब्द से प्रेम को समझ सकते हैं, क्योंकि पंकज शब्द दो शब्द से मिलकर बनता है। पंक का मतलब होता है गंदगी, कीचड़, और जय का मतलब होता है खिलना, कमल। पंकज, पंक का अर्थ है कीचड़ और जय का अर्थ है जन्म। तो जन्म, जिसका जन्म ही कीचड़ में होता है उसे पंकज कहते हैं, जिसका जन्म ही कीचड़ में होता है उसे कमला कहते हैं। अब आपकी नजर है, अगर वो नजर कीचड़ पे लगी है तो आप पंकज का मतलब कीचड़ निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी नजर अगर राइजिंग इन लव पर है, आपको अगर कमल दिखाई दे रहा है, कमल का फूल दिखाई दे रहा है, तो ये प्रेम है। और अगर आपको कीचड़ दिखाई दे रहा है तो ये कामनाएं हैं, तो ये वासनाएं हैं, तो ये इच्छाएं है। हमें देखना है कि हमें वास्तव में हम पंकज हुए या नहीं हुए। अगर आज भी हमारी पूरी नजर इच्छाओं पर, कामनाओं पर, आसक्तियों पर लगी हुई है तो आप ये सच्चे प्रेम से बेदखल किए जाते हैं। और लेकिन अगर आपको वास्तव में आपकी इच्छा जो है वो कमल पर लगी है, तो इसका मतलब है आप डिटैच वर्क कर रहे हैं, आप अनअटैच्ड है और आप मुक्त है और आप लिबरेट है और आप हर समय मुस्करा सकते हैं, क्योंकि आपकी कामनाएं पूरी नहीं हुई, आप तुरंत निराश हो जाएंगे, आप तुरंत नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरी कामनाओं से भरे हुए हैं तो आप ऊपर उठने लगेंगे। आइए नेक्स्ट। अच्छा, अब सवाल ये भी उठता है कि प्रेम में कमल कैसे बने और क्या साधन है प्रेम से कमल होने का। दो पॉइंट तो मैं भी इसी पॉइंट में कवर कर देता हूँ और एक पॉइंट हम आगे जाके पूरा करेंगे कि अगर प्रेम, सच्चा प्रेम पाना हो तो क्या करना होता है और क्या उसके साधन होते हैं और क्या उसके टूल होते हैं।
हालांकि इन टूल के ऊपर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, पर चूंकि मुझे अपना लेक्चर एक सीमित समय में पूरा करना है तो मैं आपको बहुत सीमित शब्द में बताना चाहता हूँ। ध्यान और प्रार्थना, ये दोनों आपको अंदर से खाली करते हैं। जब आप ध्यान में उतर जाते हैं तो आप अंदर से खाली होते हैं। ये प्रेम को पाने का तरीका है। अगर आप वास्तव में ध्यान और मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे प्रेम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप प्रार्थना करना सीख गए तो आप वास्तव में प्रेम के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम को पाने के रास्ते हैं। लेकिन देखिए ना, आज भी कल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि खाटू श्याम और सालासर बालाजी और तिरुपति बालाजी, यहाँ लोग गए अपनी कामनाओं से भरकर, हे भगवान मुझे ये दे दे, तो मैं तेरे को ये दे दूं, और लाखों और करोड़ों रुपए वहां चढ़ा रहे हैं और एक शर्त लगा रहे हैं, अगर तुमने मुझे ये कर दिया तो भगवान मैं तुम्हारे को ये कर दूंगा। क्या ये प्रेम है? मुझे लगता है ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो है वो तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर वास्तव में आप प्रार्थना कर रहे हैं तब तो आप ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं कि जो तूने दिया उसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं तेरा। आप शिव जी को पानी चला रहे होते हैं तब भी आप मांग रहे होते हैं तो आप भिखारी जैसे हो गए भगवान के सामने, जिसने आपको इतनी बड़ी शख्सियत दे रखी है। वो चाहता तो आपको सांप भी बना सकता था, केकड़ा भी बना सकता था, तब उसने आपको इंसान बनाया। इसलिए हम उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं, ग्रेटफुल भी हो सकते हैं। मुझे लगता है थैंक यू बोलना प्रेयर बोलना है, करना है। आप देख लीजिएगा, अगर आप भगवान के सामने खड़े हैं और हर समय उनसे कुछ मांगते ही रहते हैं तो भी आप सम्राट नहीं हुए, आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं करना सीखे हैं अभी तक। प्रार्थना में थैंक यू बोलना होता है। अगर थैंक यू के साथ आपकी प्रार्थना चालू हो रही है, और आप देख लीजिएगा आपकी सब प्रार्थनाओं के अंदर थैंक यू ही है, उसका भाव, उसका इमोशन ग्रेटफुलनेस ही है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 16, वास्तव में प्रेम से भरा व्यक्ति दुखी हो तो हो ही नहीं सकता। प्रेम के मार्ग में अगर दुख है तो समझ लेना इस प्रेम में मालकियत है, ओनरशिप है, ईगो है। अगर हमारे जीवन में कभी दुख आ रहा है तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम ईगो यानी अहंकार में बसे हैं, और अहंकार पूरा नहीं होने से हमारे को गुस्सा आ रहा है, दुखी हो रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि अगर जीवन में हमारी मालकियत है, ओनरशिप है, तो फिर हम थोड़ी थोड़ी देर में दुखी होते रहेंगे। लेकिन समर्पण है, जब हम सामने वाले का अच्छा चाह रहे हैं तो भला फिर कौन दुखी कर सकता है? दुखी होने का कारण ही ये नादानी, नासमझी, अज्ञान, अहंकार, ईगो, जेलस। और प्रेम तो इन सबसे मुक्त करता है, प्रेम तो देने का नाम है। आइए पॉइंट नंबर 17 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 17, प्रेम जन्म से स्वतः नहीं मिलता। आप सोचे आप पैदा हुए और आपको प्रेम मिल गया हो, बल्कि प्रेम तो अर्जित करना पड़ता है। तो प्रेम को अर्जित करना पड़ता है तो हो क्या जाता है हमारे जीवन में, जिस वजह से प्रेम को अर्जित करना पड़ता है? एक जो बच्चा होता है वो हमें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। हर छोटा बच्चे को लगता है कि हम अपनी गोदी में ले ले, जब तक वो छोटा होता है। पर जैसे जैसे बच्चे की परवरिश बड़ी होती है, वो बड़ा होने लगता है, वो स्कूल जाने लगता है, हम उसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना डाल देते हैं। हम उसे ये सिखा देते हैं कि बेटा अपने दोस्त के ऊपर पांव रखकर आगे कैसे बढ़ना है, तुझे फर्स्ट कैसे आना है। आज शायद हर पेरेंट्स अपने बच्चों को फर्स्ट आने की सीख दे रहा है। एक ही तो फर्स्ट आएगा, बाकी से तो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, बाकी से तो द्वेष करना पड़ेगा, बाकी से तो जलन रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है इस कारण धीरे 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 बच्चा अहंकार, ईर्ष्या, जलन सब सीख जाता है, और ऐसे में वो अपवित्र हो जाता है। फिर उसे पवित्र होना होगा, फिर उसे प्रेम को समझना होगा, फिर उसे अपने कांटों को दूर करना पड़ेगा। फिर उस अगर फिर वो समझकर जब इसे दूर करेगा तब समझना उसने प्रेम को अर्जित किया। प्रेम अर्जित करने की चीज है, प्रेम कमाने की चीज है, प्रेम मुफ्त में नहीं मिलता। अपनी विकृतियों को दूर करके प्रेम को पाया जा सकता है। आइए पॉइंट नंबर 18 पे चलते हैं। ध्यान, मेडिटेशन व प्रेयर प्रेम को अर्जित करने का श्रेष्ठ उपाय है। ये शायद हमने पॉइंट पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ध्यान से और मेडिटेशन से, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको जरूर एक सही रास्ते पर आप जोरी बन रहे हैं, आप प्रेम को समझ रहे हैं। अगर आप वास्तव में प्रेयर, जिसकी मैंने अभी परिभाषा दी है, जिसका मतलब होता है थैंक यू, ईश्वर को धन्यवाद देना, तो फिर आप वास्तव में प्रेम के करीब पहुंच रहे हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं जो बाद में कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसका वो जिंदगी भर पछतावा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वासनाओं को प्रेम समझ रहे होते हैं और अब उनसे पीड़ित है। अब वो बातें जो उनकी गलती हो चुकी है उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, अब उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता,
और वो अनुभव उनको जीवन भर परेशान करते हैं। कितना अच्छा हो कि हम समुद्र में उतरे तो समुद्र की गहराई को नाप ले, कितना अच्छा हो कि हम समुद्र में उतरे तो समुद्र की साइकोलॉजी और समुद्र के बारे में जानकारी जुटा ले। इसलिए मेरी इच्छा थी कि बच्चों को भी ये सब बातें बताई जाए ताकि वो कोई गलती करे तो वो उनका जीवन है, वो गलती करे पर समझ कर करे, कैलकुलेट करके करे, ताकि बाद में पछतावा ना हो। हमारा जीवन है, हमारी रिस्क है, हमारे फैसले, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उनकी। अगर आप लेने को तैयार है आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप अगर बिना जाने रिस्क ले रहे और उसके बाद पछता रहे तो ये तो पेरेंटिंग की मिस्टेक हुई या टीचिंग की मिस्टेक हुई। आइए पॉइंट नंबर 19 की तरफ चलते हैं, प्रेम के बारे में 19वां क्राइटेरिया, शून्य भाव से प्रेम का जन्म होता है। देखिए एक और एक दो जो होते हैं ना, इसके कारण द्वेष पैदा होता है। जब आप समझते मैं अलग और मेरे घर में जो मेरा बाहर के लोग है वो अलग, तो ये द्वेष को जन्म देता है। दो होना संसार है, दो होना जीवन है, दो होना बाहर जाना है जहां हम अपने आप को अलग और बाहर को अलग समझते हैं। लेकिन दो से एक भी हुआ जा सकता है। एक होना प्रेम है जब आप सबके को अपना समझने लग जाते हैं, जब सबके दुखों को अपना समझने लग जाते हैं, इसको प्रेम कह सकते हैं। पर एक होने के आगे की स्थिति भी है कि जब आप खाली होने लगते हैं, जब आप शून्य होने लगते हैं, जब अपने अहंकार को खत्म करने लगते हैं, तो उस खालीपन के अंदर कुछ चीजें जन्म लेने लगती है। उस जन्म लेने को शून्य भाव कहा जाता है, उसे अहंकार से फ्री होना कहते हैं, उसको ईगोलेसनेस कहते हैं। और ये ईगोलेसनेस जो है उसके कारण से भी हमारे जीवन में प्रेम का जन्म होता है। पॉइंट नंबर 20, जो बांटने से घटता है उसे भूल कर भी कभी प्रेम मत समझना। अगर आप कोई चीज बांट रहे हो और आपको लग रहा है वो कम हो रही है तो ये प्रेम नहीं, ये पदार्थ हो सकता है, ये मटेरियल हो सकता है। प्रेम तो जितना भी बांटते हैं वो तो बढ़ता ही जाता है। ये भी एक क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं। आप अपने जीवन में देख ले, आपके पास कुछ सामान है, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ मटेरियल है, अगर आप उनको दे देते तो वो कम हो जाती है, वो वस्तुएं है। पर प्रेम तो एक भावना है, जो जितना बांटते हैं उतना ही आपको और अच्छा एहसास होने लगता है। पॉइंट नंबर 21, प्रेम कोई संबंध नहीं है, कामना नहीं है, कृत्य नहीं है, बल्कि प्रेम तो चैतन्यता है, चैतन्यता है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है। और इसको कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक गाना हमने बचपन में सुना था जब हम बहुत छोटे थे और वो समय बहुत फेमस भी था, वो था प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है ना, और बहुत बहुत चला करता था प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। अगर प्यार किया नहीं जाता और प्यार हो जाता है तो फिर ये तो कोई हार्मोन की प्रॉब्लम रही होगी, ये तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रही होगी। लैला मजनू और हीर रांझे की भी बात हम सुनते हैं, मुझे लगता है डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए, जरूर कोई हार्मोन की प्रॉब्लम रही होगी, जरूर कोई शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रहे होंगे जिनका सीक्रेंस ज्यादा हुआ है। और आज विज्ञान ने तो खोज कर लिए हैं, ऐसे हार्मोन को निकाल लिया जाए तो लैला मजनू फिर लैला मजनू ना रहे। इसलिए हमें समझना पड़ेगा ये जो हार्मोनिक इम्बेलेंस है ये प्रेम नहीं है, और प्रेम अगर ऐसे ही हो जाता है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो ज्ञान का नाम है, प्रेम तो समझ का नाम है। अगर ऐसे ही हो रहा है तो आप रिस्क ले रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। इसलिए पता लगाइए कि कहीं ये हार्मोन की बेचैनी, मन की बेचैनी और हार्मोन की तड़प तो नहीं है, अगर है तो आप गलत हो सकता है। जिसके जीवन में बेर और बैर यानी बदले की भावना और द्वेष चला गया हो तो वो कहता है मैं प्रेम हूं, तुम मुझे चाहो या ना चाहो पर मैं तो तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे द्वेष नहीं कर सकता, तुम मुझसे द्वेष करो पर मैं तुमसे द्वेष नहीं करूंगा, मैं प्रेम हो गया हूं। इसको प्रेम कहा जा सकता है। जो आपसे द्वेष करे आप भी उससे द्वेष करे ये प्रेम नहीं होगा। आप पता लगाइए क्या वास्तव में प्रेम में पड़े या आप अभी प्रेम से महरूम है, वास्तव में आप डायमंड के करीब है या आप वास्तव में पत्थर के करीब है, पता लगाइए। क्योंकि हमारा जीवन डायमंड बनने के लिए पैदा हुआ, हम लोग डायमंड बनने के लिए आए हैं, यहाँ पे हम अपने जीवन की सर्वोच्चता को हासिल करने के लिए आए हैं। हाँ हम गलती करेंगे लेकिन गलती करके उस गलती को एक समझ में विकसित करना हमारे जीवन का मकसद हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। आइए पॉइंट नंबर आगे चलते हैं 22 पे, आप प्रेम का झरना बने, आप खुशी व आनंद की अभिव्यक्ति बने। जब आप कुछ ऐसे बन जाते हैं जैसे कि एक बीज यात्रा कर पुनः फूल बन गया हो तो बस वो सुगंध व सौंदर्य की अभिव्यक्ति बन जाता है।
मुझे लगता है कि एक फूल, एक बीज यात्रा करता है, उसको बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं, उसे रेत में दबना पड़ता है, उसे बारिश में भीगना पड़ता है, फिर गलता है, फिर वो उगता है, फिर उसमें से फिर फूल उगता है, और फिर जब वो फूल उग जाता है उसका सौंदर्य सबके लिए अवेलेबल होता है, उसके सुगंध भी सबके लिए अवेलेबल होती है। मुझे लगता है कि प्रेम को झरना बनकर अभिव्यक्त होने का नाम है। अगर आप पूरी तरह से कोई किसी फूल से ये अपेक्षा ना करे कि वो किसी के लिए खिलेगा या किसी के पास जाएगा या उसकी सुगंध को रोका जा सकता है, ऐसा नहीं होता। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रेम का चरम भक्ति है, प्रेम को निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया हमारी परवरिश बचपन से कुछ ऐसे ही होती है जिसमें हमें अनायास प्रतिस्पर्धा में डाला जाता है। उसके बाद में हमारी जो गलतियां, उससे धीरे धीरे हमारे को प्योरिफाई करना पड़ेगा, उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 24, प्रेम का फूल बहुत से कांटों के बीच ही खिलता है, क्योंकि बहुत सारे कांटे, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तुम प्रेम में सिर्फ सुखी मत खोजो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत सुखी रहूं, मेरे को मैं बहुत हैप्पी रहूं, मुझे सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो दोनों ही होंगे, सुख भी होंगे, दुख भी होंगे। फूल को पाने के लिए जाएंगे तो कुछ कांटे भी मिलेंगे, पर उन कांटों से विचलित मत हो जाइएगा। अगर कांटों से विचलित हो गए तो फूल भी नहीं मिलेगा। फूल और कांटे दो मिलकर जीवन बनता है, और प्रेम के रास्ते में दोनों ही आते हैं। पॉइंट नंबर 25, प्रेम को भोगी भी नहीं जान पाते और योगी भी नहीं जान पाते, क्योंकि भोगी के जीवन में भी एक लक्ष्य होता है, कार को पाने का, जॉब को पाने का, पैसों को पाने का। लेकिन योगी के जीवन में भी एक लक्ष्य होता है, मोक्ष पाने का। और जिसके जीवन में लक्ष्य होगा तो उसके जीवन में फिर प्रेम नहीं रह सकेगा। तो हमें लगता है कि तथाकथित योगी शायद प्रेम के करीब पहुंच गए, पर योगी को भी एक कामना है और भोगी को भी एक कामना है, और कामनाओं से परे होना प्रेम है। इसलिए कोई योगी हो तो ये मत समझ लेना कि वो निश्चित रूप से प्रेम से भरा होगा, वो भी कामनाओं से भरा है। उसको कोई दूसरी कामना, आपको कुछ दूसरी कामना है। पॉइंट नंबर 26, प्रेम दो नहीं एक का होना है। जब हम प्रेम में भर जाते हैं तो ऐसे समझ लो कि एक लाइट का तार बन गए हो जिसमें विद्युत बह रही है और सैकड़ों बल्ब जल रहे हो। सैकड़ों बल्ब के बीच में एक ही विद्युत बह रही है, कुछ प्रेम भी ऐसी ऊर्जा है। प्रेम जो है वो जब होता है तो सब में हम अपने आप को देखने लगते हैं। एक चिड़िया के दर्द में को भी अपना दर्द समझने लगते हैं और उसको भी अपना सा समझने लगते हैं। अगर ऐसा भाव है तो वो प्रेम हो सकता है। पॉइंट नंबर 27, सच्चा प्रेम ना तो शरीर से संबंधित है और ना शरीर से उत्पन्न हार्मोन से रिलेटेड है, क्योंकि अगर वो शरीर से रिलेटेड होगा तो थोड़ी देर में बोरियत लेकर आएगा, बॉर्डम लेकर आएगा। लेकिन अगर वो सच्चा प्रेम है तो वो क्रिएटिविटी लेकर आएगा, वो बोरियत लेकर नहीं आएगा। सच्चा प्रेम ना तो शरीर से संबंधित होता है, ना शरीर से उत्पन्न हार्मोन से संबंधित होता है। ये तो कुछ एक अलग ही चीज होती है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, प्रेम पे कोई बात ही नहीं करता या प्रेम के किसी बिंदु पर कोई बात कर लेता है। मैंने कोशिश की, मैंने संग्रह किया कुछ ऐसे डायमंड, ऐसे पॉइंट्स का जिसको बहुत कम समय में आप तक पहुंचा सकूं, और ये कहीं भी आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। इतने सब बातें जिसको एक रिसर्च, एक सर्वे करके मैंने इकट्ठा किया है, लोग अपने अनुभव से उसको तराशा है और कोशिश की है कि ये बच्चों तक, टीचर्स तक पहुंचे, ताकि टीचिंग का भी एक नया डायमेंशन मिले। क्योंकि एक टीचर जब प्रेम से भरकर अपनी क्लास में जाता है तो वो क्लास कुछ अलग ही बन जाती है। तब बच्चों में जो विश्वास पैदा होता है वो कुछ आइए पॉइंट नंबर 28 पे चलते हैं। प्रेम आत्मा में छुपी परमात्मा की ऊर्जा है। वास्तव में प्रेम तो आत्मा का भोजन है, जैसे आपका शरीर का एक फूड है। अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो आपने कल शाम को और कल सुबह भी आपने भोजन लिया था। शरीर का एक भोजन है, शरीर का एक फूड है। एक दूसरा है आपके 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 आपका मन, आपका आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके मन का भी एक फूड है, और मन के फूड को विचार बोलते हैं, जो प्रेम से बहुत निचले तल का है। लेकिन आपका आपका असली अस्तित्व, आपका बीज, आपकी सोल है, जो कभी मरी नहीं बल्कि हजारों साल से चलती आ रही है। आज भी आप उस सोल, उस एनर्जी को लेकर इस शरीर को का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शरीर का भोजन पता चल गया, विचार का भोजन पता चल गया, मन का भोजन पता चल गया, विचार है। तो अब सवाल उठता है, फिर आत्मा का भोजन क्या है? प्रेम आत्मा का भोजन है। अगर आप माइन्यूटली देखें तो आप इसी को ढूंढ रहे हैं और सब लोग इसी को ढूंढ रहे हैं। पर सवाल यह है कि सम्राट बन के ढूंढो या फिर भिखारी बन के ढूंढो।
पर ढूंढ सब उसी को रहे, पर किसी को पता नहीं, किसी को सही तलाश नहीं। आइए और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 28, प्रेम आत्मा में छुपी हुई परमात्मा की ऊर्जा है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 29 पर हम चलते हैं। प्रेम दूसरों की आंखों में अपनों को देखना है। जैसे कोई कह रहा हो तुम पर ही मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूं, तुम किसी की आंख में अगर ऐसी गरिमा देखो तो समझो जीवन सफल हुआ। कोई आपको आपके लिए ऐसे देखे तो समझो ये प्रेम है। प्रेम आपको विराट बना देता है। और आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 30, उसके बाद शायद एक आध पॉइंट और ले लेंगे जो मैंने अभी और उसको ऐड किया था। क्या प्रेम घृणा बन सकता है? साधारण व्यक्ति के प्रेम में कई मालिकियत छुपी होती है, ओनरशिप छुपी होती है, और कहीं ना कहीं कोई राजनीति कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी देर में घृणा बदल जाता है, घृणा में बदल जाता है। अगर घृणा में बदल रहा हो तो फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो कुछ और ही चीज है। इसके अलावा कुछ और, आकर्षण को प्रेम नहीं कह सकते। कई बार हमें आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षण को प्रेम समझने लगते हैं। आकर्षण के कारण उत्पन्न भावना प्रेम कैसे हो सकती है? वास्तव में प्रेम तो मुक्त और मुख्य लक्षण तो समर्पण है, निस्वार्थ देने की भावना है। लेकिन अगर आप बाहर से आकर्षित हो रहे तो समझ लेना ये प्रेम नहीं है। नेक्स्ट, और रेड ऑन पेंट नंबर 32, प्रेम के पीछे ज्ञान आएगा या ज्ञान के पीछे प्रेम आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है कि प्रेम के पीछे ज्ञान आता है या ज्ञान होने से प्रेम आता है। तो इसका जवाब जो मैंने ढूंढा तो मैंने पाया, अगर जीवन में प्रेम हो तो फिर ज्ञान भी आएगा, क्योंकि कुछ खालीपन आएगा, क्योंकि कुछ देने की इच्छा करेंगे, क्योंकि अहंकार शून्यता की स्थिति आएगी। और आप जानते हैं विज्ञान तो पदार्थों को पाना है, लेकिन जो ज्ञान है वो भीतर को पाना है, वो अपने आप को समझने की खोज है, वो अपने भीतर से खालीपन भी मिलेगी। तो पहली शर्त प्रेम है। प्रेम के बिना अगर कोई ज्ञान की बातें कर रहा है तो वो उठाई हुई बातें हैं, वो कॉपी की हुई बातें हैं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला, वो उधारी का ज्ञान है। लेकिन वास्तव में किसी के जीवन में प्रेम है, आपको महसूस होता है इसके जीवन में प्रेम है और उसके कारण वो बातें कर रहा है, तब आप समझ लेना कि वो वास्तव में ज्ञानी भी हुआ है, क्योंकि बिना प्रेम के ज्ञान थोथा है। एक आता है लेना। अगर आपके जीवन में लेना है तो आप उसे स्वार्थ कह सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में देना भी है और लेना भी है तो इसे आप व्यापार कह सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में सिर्फ देना और देना और देना और देना ही है तो इसे आप प्रेम कह सकते हैं। तो प्रेम की परिभाषा, प्रेम को सही में समझ लीजिए, पता लगाइए कि आप व्यापार कर रहे हैं, आप स्वार्थ में पड़े या वास्तव में आप सच्चे प्रेम में पड़े। और आज का आखिरी पॉइंट 34, संसार में वो कौन सा कृत्य हो सकता है जिसके कारण किसी व्यक्ति में प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है? आहा, ये भी एक बहुत अच्छा बात है। जो हमने पहले प्रेम को पाने के 3 साधन बताए थे, प्रार्थना बताई थी, ध्यान बताया था, पर ये बहुत मुश्किल काम है, शुरुआत में होगा ही नहीं। तो शुरुआत में हम कैसे करें कि हमारे जीवन में प्रेम अंकुरित होने लगे? तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है। अगर 24 घंटे के एक दिन में अगर आप 1 या 2 ऐसे काम करें जो बिना स्वार्थ के करने लग जाए, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जीवन में प्रेम अंकुरित होने लगेगा। अगर आप ऐसा 1 या 2 काम भी करते हैं जो अपने स्वार्थ से हटकर किया गया हो, जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ ना हो, तो आप समझ लेना फिर आप प्रेम के बीज बो रहे हैं। तो देना, निस्वार्थ देना, किसी के लिए स्वेच्छा से काम करना, चाहे आप किसी को कुछ दें, चाहे आप किसी की मदद करें, चाहे किसी के को भावनात्मक मजबूती दें, चाहे किसी को मुस्कुरा कर उसको अच्छाई और जीवन की बेहतरीन चीजों का अनुभव कराएं, कुछ भी आप दे सकते हैं, पर निस्वार्थ अगर आप किसी के बारे में ऐसा कुछ दे रहे हैं तो आप अपने जीवन में प्रेम के बीज बो रहे हैं। प्रेम, मैंने पहले भी बताया था, कभी हारता नहीं, बल्कि वो तो परमात्मा को पाकर ही रुकता है। तो जिसके जीवन में कोई लगता है कि मुझे ईश्वर की खोज करनी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा ईश्वर कैसे मिलेगा, तो प्रेम की सर्वोच्च जो सत्ता है वो परमात्मा ही है। तो अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर की राह में, तो आपको प्रेम को सीढ़ी बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसी कुछ बातें जो बेशकीमती थी, जो मुझे लगा कि युवाओं को भी समझनी चाहिए, प्रौढ़ को भी समझनी चाहिए, बच्चों को भी समझनी चाहिए, टीचर्स को भी समझनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो चीजों को समझे और अपने फैसले खुद करे, वो क्या पाना चाहता है, वो क्या लेना चाहता है। तो ये सब बातें मैंने कही। मुझे लगता है कि मैंने अपना समय से काम पूरा कर लिया। 10:48 हुए हैं और हमें 10-12 मिनट सवाल जवाब भी करने, क्योंकि कुछ यूथ सवाल पूछे
और मैं जो ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मैं नेहा पांडे मैम से पूछूंगा कुछ ऐसे सवाल जो यूट्यूब से आए हों, और मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बातें जो आपको लगी हो ये इम्प्रैक्टिकल है और सर ये नहीं हो सकता, या सर ये डिफिकल्ट है, या आपको किसी बिंदु पे मेरे से मतभेद रहे हो। तुम चाहते हमारी टीचिंग टू वे हो, क्योंकि मैंने अपना काम 45 मिनट में कर दिया है, और मैं चाहता हूँ कि अब आने वाले टाइम में आप मुझसे कुछ अच्छे सवाल पूछे, तो मुझे लगता है कि इससे मैं भी सीखूंगा, मुझे भी कुछ समझ आएगी, मेरी डेफिनेशन भी कुछ करेक्ट होगी, और हम डायमंड के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे। सो आज कुछ पेरेंट्स भी इसमें जुड़े होंगे, कुछ बच्चे भी जुड़े होंगे, और मुझे लगता है कि प्रेम का जो अंत है ना, प्रेम आनंद पाकर ही रुकता है, और यही आनंदम है, यही इस एक्टिविटी का बेसिक पर्पज है। अगर आप हर समय मुस्कुराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सब आप हर समय हंसते रहे, आप चाहते हैं आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़े, आप हर समय खुश रहे, अनायास से खुश रहे, चांद को देख के खुश हो जाए, तारों को देख के खुश हो जाए, खिलते हुए फूल को देख के खुश हो जाए, तो फिर आपको इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, आपको प्रेम को समझना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। सो आज का सेशन मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा है, और आप सब लोगों ने बहुत शांति से सुना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, 100 लोग अगर एक स्क्रीन पर जुड़े और बिना हल्ला गुल्ला किए हुए, ये शो करता है कि आप सब लोग बहुत ही इन्वॉल्व होकर सुन रहे थे। मैं आपके अंदर बैठे ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर बसता है, सबके अंदर रब है, सबके अंदर आत्म तत्व है, सबके अंदर ऊर्जा है, सबके अंदर प्रेम और करुणा छुपी है, और उसको मैंने कोशिश की कि मैं उसको डायमंड को जो आपके अंदर है उसको मैं बाहर निकाल कर आपके पास आपको उसकी इम्पोर्टेंस को व्यक्त कर सकूं। तो आपका सेशन कैसा रहा, एक बार मुझे थोड़ा सा सभी लोग अपना अपना स्क्रीन ऑन करके मुझे बता दे कि यस दे आर लिसनिंग। आपको उसमें से कुछ इंट्रोस्पेक्शन हुआ, कुछ नई चीज मिली। आइए एक बार हम अपने लिए इसने एक सुप्रीम और डायमंड जैसी जो बेशकीमती बात थी, जिसको जान के सब जाना जाता है, उसको सुन लिया आपने, तो श्रवण लड़कियों का नाम होता है श्रुति, किस लड़के का नाम नहीं सुना होगा श्रुति, और आज इस स्क्रीन पे आप चर्चा करके देख लीजिएगा, श्रुति अधिक होंगे, श्रोता कम होंगे। तो श्रुति होना जीवन का पर्पज है, जिसको सुनना आ जाता है उसको सब आ जाता है, क्योंकि राज की बात है, सीक्रेट है, लाइफ सीक्रेट है, जो सुनेगा जो सीखेगा वही तो बढ़ेगा। तो मालती मैम भी हमारे बीच में, माधुरी मैम भी कंटिन्यू कैमरे के साथ बैठी थी, दैट शोज यू ऑल आर वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड टू इनहेंस योर एनर्जी पॉजिटिविटी। और आशीष शर्मा सर भी श्रोता होते हुए सुने, आपको बधाई हो, ग्रेट। सो आप सब लोगों ने यहाँ अवेलेबल रहे और आप सब लोगों ने सुना, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब हम क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। नेहा मैम कुछ ऐसे सवाल जो कुछ आए हो, कि टीचर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर ऑनलाइन तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर जुड़े हुए हैं जूम पे, वो अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ, वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई पूछेगा नहीं, जब तक कोई सवाल नहीं होंगे, तो फिर क्या पढ़ा आपने, क्योंकि जिज्ञासा बिना क्या सीखा जाता है, ऐसे ही मुफ्त में कोई चीजें थोड़ा मिला करती है, कुछ पूछना पड़ता है, कुछ जानना पड़ता है, कुछ सवाल। मुझे लगता है अर्जुन ने पूछा तभी इतनी अच्छा ग्रंथ भगवद गीता बन पाई, अष्टावक्र को सवाल पूछे जनक ने तभी तो अच्छा नॉलेज बन पाया। अच्छा नॉलेज, सही नॉलेज सवालों से पैदा होता है, जवाबों से तो पैदा नहीं। सर मुझे पूछना है, मोनिका पालीवाल सर। जी 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 मैम। सर हमेशा सर राधा कृष्ण के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब आज तक सबसे जो आइडल लव था, जो सबसे एक आदर्श प्रेम की परिभाषा के रूप में राधा और कृष्ण को याद किया जाता है, लेकिन राधा और कृष्ण, क्योंकि एक जैसे कोटेशंस में भी है कि राधा और कृष्ण का असली मतलब दुनिया को सिर्फ प्रेम समझाना था, इसीलिए ये सारी लीलाएं हुई, और राधा और कृष्ण के प्रेम में लेकिन इन सारी चीजों को इंक्लूड कहीं ना कहीं वो सब था, एक मोह भी था, जैसे गोपियां थी, गोपियों का कृष्ण के प्रति उतना ही प्यार था, उन्हें मतलब नहीं था कि मतलब कृष्ण उनकी, लेकिन जब वो जा रहे थे भगवान वहां से, तो सारी गोपियों की आंखों में आंसू थे, पीड़ा थी, वो विरह वाली चीज भी थी, और राधा के मन में भी सेम वही बात थी कि मतलब वो उनके साथ क्यों नहीं रहे, तो सर फिर ये सारी चीजें उस वाले लव पर कैसे जस्टिफाइड हुई? देखिए ना, किसी ने रोका नहीं कृष्ण को, सब चाहते थे कृष्ण जाए, पर जाने की एक पीड़ा होती है, पर उस पीड़ा से ऊपर भी एक चीज होती है जिसमें वो सामने वाले की बेहतरी चाह रहे होते हैं। किसी गोपी ने उन्हें रोका नहीं, उनको दुख हो रहा था,
लेकिन वो अपने प्रियतम कृष्ण को का बेटरमेंट चाह रही थी, उनकी इच्छाओं का रिस्पेक्ट कर रही थी और कृष्ण भी उनका रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमें जीवन में जाना पड़ता है, हर लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना होता है, उसके कारण उसके पिताजी रोते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम है, प्रेम में विरह भी होता है। और मुझे लगता है कि राधा का प्रेम सच्चा प्रेम था। आप एक पति और एक पत्नी का प्रेम तो किसी बंधन के कारण होता है, सामाजिक मर्यादाओं के कारण होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हित छुपा होता है। पर राधा और प्रेम, राधा कभी वापस कृष्ण से मिलने के लिए तड़पी नहीं। कृष्ण भी वापस लौट कर आ सकते थे क्योंकि वो तो राजा बन चुके थे, उन्होंने एक दूसरे की पूर्ण मुक्ति दी। और इसका ये मतलब नहीं था कि वो आपस में प्रेम नहीं करते थे, प्रेम भावनात्मक लेवल पे भी किया जा सकता है, प्रेम हृदय से किया जाता है, प्रेम चेतना का नाम है। हम शरीर से बंधे हुए, इसलिए हर चीज को शरीर के लेवल पर जाकर अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो डिवाइन लव की हम बात कर रहे हैं, जबकि हम सुप्रीम और डायमंड लव की बात कर रहे हैं। हम कामना और वासनाओं से परे होकर प्रेम के हाईएस्ट डायमेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राधा कृष्ण इज द ट्रू एग्जाम्पल, जिसमें बॉडी अटैचमेंट नहीं था, बॉडी के प्रति आसक्ति नहीं थी, और कृष्ण कभी वापस मुड़कर आए भी नहीं, और इसका ये भी मतलब नहीं था कि वो आपस में एक दूसरे को चाहते नहीं थे। जी सर। सर एक स्टूडेंट है मनु महर्षि जो पूछना चाह रही है कि सर क्या मित्रता में भी प्रेम होता है, क्या मित्रता में भी प्रेम होता है? देखो प्रेम तो मैत्री भाव ही है, अगर शत्रु भाव है तो वो प्रेम कहाँ है। तो मित्रता में अगर लेन देन नहीं है, मित्रता में अगर हमारे को अपने मित्र का पूरा समय ख्याल है, हम अपने मित्र की बेहतरी चाहते हैं, उसके सुख में हम सुखी हो रहे हैं, उसके दुख में हम दुखी हो रहे हैं, तो ये सच में मित्रता है। बाकी आज मित्रता की आड़ में लोग बहुत ही व्यापार करते हुए दिखाई देते हैं, या तो थाली मित्र है या प्याली मित्र है, लोग इसे मित्रता समझते हैं। थाली मित्र कैसे मित्र हो सकता है, वो तो एक एक पार्टी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और प्याली मित्र भी कैसे हो सकता है। ना तो मुझे लगता है कि मित्रता का मतलब संवेदनाओं से, मित्रता का मतलब अपने दोस्त की वेलफेयर चाहने से। और मुझे लगता है कि जब हम बचपन में बहुत छोटे होते हैं, तब जो मित्र होते हैं वो वास्तव में आज भी आपके मित्र बने हुए होंगे, क्योंकि उनमें आपका कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। लेकिन वही जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे या जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वो दोस्त उस समय उस पर्पज को पाने के लिए हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे से बहुत जेलस की, क्योंकि उसमें प्योरिटी नहीं थी। तो मित्रता निश्चित रूप से जो है प्रेम का दूसरा नाम है, पर वो ट्रू होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, उसमें देने की भावना होनी चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी मेरे ख्याल से मनु महर्षि को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसके अलावा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी, क्योंकि जूम पे भी मैम हमारे पास में भी 65 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने एक्टिवली पूरा सेशन सुना है, सो प्लीज कोई भी टीचर्स भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। मैम मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अगर यूट्यूब के साथ भी जुड़े हुए हैं तो वो अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं उन्हें आनंदम एक्टिविटी में अलग से सर्टिफिकेट भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने दुनिया का सबसे अच्छा शब्द सीख लिया है, उसकी बारीकियों को सुन लिया है, समझ लिया है। आज आप सुनेंगे कोई जरूरी नहीं आपको आज सारी बातें समझ आ जाए, कल आप जिंदगी से गुजरेंगे, कुछ परेशान होंगे, तब आपको मेरी बातें याद आएगी। पर मेरी बातें अनुभव से निकली हुई है, मेरी बातें जो है क्योंकि मैं 30 साल से लगातार बच्चों को पढ़ाते रहा हूं, और आप जब मेरे बारे में मालूम करेंगे तो मैं सच में पढ़ाते रहा हूं। मैं सुबह आज भी जल्दी उठता हूं 3:30-4 बजे और फिर मैं 2-3 घंटे यही जानने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज ट्रू नॉलेज, जिससे इन इंसान को शानदार बनाया जा सके। फिर मैं उस बात को शेयर करता हूँ। कुछ उम्र कम होती है बच्चों की, वो कभी कभी नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है कि ये आउट ऑफ कोर्स है या लगता है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन मैं फंडामेंटल बातें करता हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आज सुना है तो उसका सबूत होना चाहिए, उसका उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो अगर वो ईमानदार है तो वो अपना यहाँ पे कोई ना कोई प्रूफ छोड़ जाए, ताकि मैं उसके बेसिस पे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे सकूं कि उन्होंने वो सब बेशकीमती बातें सुन ली है। हालांकि किसी के प्रारब्ध को बदलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जो कर्मों की शक्ति है वो हमारे जहन के ऊपर कुछ ना कुछ इस कदर जमी होती है कि हम सुन ही नहीं पाते। लेकिन अगर उसको कर्म की इस पावर को भी खत्म करना हो तो साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, श्रुति करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हम उन उन अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, अपनी किस्मतों को भी बदल सकते हैं, क्योंकि किस्मत को भी कर्म से और कुछ मेहनत और शिद्दत से बदला जाता है, मुफ्त में यहाँ तो कुछ नहीं होता।
सर स्टूडेंट है भूमिका शर्मा, वैसे मैं टेक्निकल टीम संचना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि दो तीन हैंड रेज हैं तो प्लीज आप उन्हें अनम्यूट कर दीजिए ताकि वो डायरेक्टली सर के साथ इंटरेक्शन कर सके। वैसे सर भूमिका ने क्वेश्चन पूछा है कि बिना किसी परिणाम के बारे में सोचे हम अपने काम को उतनी शिद्दत के साथ कैसे कर सकते हैं। हाँ, परिणाम को, क्योंकि परिणाम तो हम एक बार सोच ले कि हमारे को ये परिणाम चाहिए, पर उसके बाद जब आप हर समय उस परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कामनाओं में ग्रसित हो जाएंगे, और जितना आप कामनाओं में ग्रसित होते जाएंगे उतनी आपकी ऊर्जा उस काम में नहीं लगेगी बल्कि उसके परिणाम में लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को डिटैच होकर काम करते हैं तो उस काम को ही प्रेम से काम करना कहते हैं, और आप अटैच होकर, क्योंकि आज मेरा पूरा विश्वास है जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सीए की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो है ज्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, और उनकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो हर समय ये सोचते रहते हैं कि मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, और मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। तो उनको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे होते, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते, क्योंकि वो पढ़ते कम है और भविष्य की चिंता ज्यादा करते हैं। वो किसी भी हालत में काम करने का सही तरीका नहीं है। तो अगर आप फल के बारे में एक बार सोचते हैं अच्छा है, पर आप फल के बारे में बार बार सोचते रहते हैं ये बहुत बुरा है, क्योंकि ये ऊर्जा का अपव्यय है, ये ऊर्जा को खराब करना है, ये प्रेम के बिना काम करना है। अगर आपको काम अच्छा लगता है, अगर आपको, तो आप अपने आप ही काम करेंगे। अगर आप आज सुबह उठे हैं तो आप देखेंगे, उसके लिए कोई यत्न थोड़ा करेंगे। आपके कान है तो आप सुनेंगे, उसके लिए यत्न थोड़ा करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो अपने आप हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी लक्ष्य के काम नहीं होता। लक्ष्य बनाए, पर इतना बड़ा भी ना बनाए कि आप हर समय उस लक्ष्य के बारे में काम सोचते रहे और कृत्य भी नहीं कर पाए। जी सर, एक स्टूडेंट है LLM से, विकास गुप्ता, CA विकास गुप्ता, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज को लव करते हैं तो उसके साथ लव के साथ अटैचमेंट अपने आप में होता है। हेलो हेलो हेलो, नहीं मैम, मेरा संजय जी नमस्कार। नमस्कार विकास जी, एक मिनट आपका बात हो जाए मोनिका मैम की, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। सर विकास जी का ही क्वेश्चन बोल रही थी मैं। अच्छा, सर विकास जी, विकास जी पूछ लेते तो अच्छा। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है मैम ये वाला। ओके जी, जी। नमस्कार संजय जी। हाँ विकास जी, चले लेते मोनिका मैम, फिर आते हैं आपके पास में। ओके विकास गुप्ता सर बताइए। हाँ संजय जी, मैं आपसे खाली ये पूछ रहा था संजय जी, आपने एक समय में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया। जी जी, आज मैंने आपको पहली बार सुना, जो आप जो ये चेंज हुआ उसको करने के लिए आप, मतलब कैसे आपने अपने आप को इतना चेंज कर पाए एक CA कोर्स के हिसाब से, और आज जो सुना वो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। जी 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 विकास जी, मुझे जब मैं CA करके मैंने प्रैक्टिस की शुरू में करीबन 3-4 साल, तो उसमें सिर्फ एक ही बात होती थी, डेबिट क्रेडिट इनकम टैक्स। So, वो मेरा भाई नेचर, आई एम ए वेरी क्रिएटिव पर्सन, और मैं CA करना भी नहीं चाहता था, पर हमारे पिताजी का बहुत प्रेशर था कि तुम्हें करना ही है। तो खुद से लड़ना, खुद से समझना, खुद अपनी इच्छाओं से के परे जाकर काम करना, वो कर भी लिया, पर फिर जो मेरी इच्छा थी वो मेरी डिफरेंट थी, मेरा पैशन कुछ डिफरेंट था, तो मैंने अपने आप को बदलता गया, और आज भी मुझे लगता है मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो जिसके लिए मैं हुआ हूँ। तो फर्स्ट इनिशियल ईयर में मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते थे, उसके बाद में मुझे CA का कोचिंग प्रोवाइडर जानते थे, पर जब मैंने कोचिंग दी उसके बाद में भी मैंने पाया कि ये भी मैं नहीं हूँ। तो देन आई माइसेल्फ एज एजुकेशनिस्ट, जब मैं एजुकेशनिस्ट भी बना तब भी मुझे लगा मुझे कुछ और हायर डायमेंशन अचीव करना है। देन मुझे पिछले 10 सालों से लोग मोटिवेशनल स्पीकर की तरह जान रहे हैं, फिर मुझे तो ये जो चीजें, अगर आप अपने दिल की सुनते हैं तो आप उस जगह पहुंच जाते हैं जो आपकी डेस्टिनी है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। पर ये खोज है जो तुम्हें करते रहना चाहिए। तो मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी, साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया, मैंने मैनेजमेंट भी किया, मैंने लॉ में भी डिग्री कर ली, अकाउंटेंसी में भी की। तो सीखना ऐसा रही हमेशा कुछ नया सीख। तो कुल मिला के एक स्टूडेंट हमेशा रहना चाहिए।
एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही यही एक मैसेज है मेरे ख्याल से। अभी रिसेंटली भी मैं कर रहा हूँ, नेचुरोपैथी पढ़ रहा हूँ, मैंने ऑस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी, मैंने मैंने पोमोलॉजी को भी पढ़ा मैंने, और मैं इस यूनिवर्स के सारे सीक्रेट को समझ भी लेना चाहता हूँ, इसलिए अगर आप ऐसे ऑस्ट्रोलॉजी की भी बात करेंगे तो मैं सही डायरेक्शन में बात करते हुए मिलूंगा। तो ये बर्निंग डिजायर और इच्छा कभी जो पाने की और आकांक्षा ये खत्म नहीं होनी चाहिए। तो हम क्योंकि लाइफ तो एक ही मिलती है ना, तो एक लाइफ में डिफरेंट डायमेंशन है वो अचीव करने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू संजीव। अंजलि को अनम्यूट कर सकते हैं तो संजना मैम डायरेक्टली अनम्यूट कर दीजिए ताकि वो अपना क्वेश्चन खुद पूछ सके। अंजलि तवर, अंजलि आप सुन पा रहे हो? यस मैम। हाँ प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजलि। अंजलि इज द नेम ऑफ फुल पॉजिटिविटी, क्योंकि अंजलि जो है वो हनुमान यानी पॉजिटिविटी यानी हाजी यानी मैं हूँ ना, उसकी मदर का नाम है। तो अंजलि इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। यस अंजलि, आस्क योर क्वेश्चन इमीडिएटली। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी चीज से प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, तो उस इंसान से या उस चीज से हमें अटैचमेंट तो होगी। अगर अटैचमेंट नहीं है तो हमें उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है, वो इंसान हमारे साथ है या नहीं है। तो अटैचमेंट तो इम्पोर्टेंट है ना। अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपकी कामनाएं है, लेकिन आपको जरूरी है कामनाओं के कारण ही किसी को चाहे। आप उसकी बेहतरी वैसे भी चाह सकते हैं, उसको पूरी फ्रीडम दे सकते हैं। कामनाएं हुई और वो पूरी नहीं हुई तो थोड़ी देर बाद आप डिटैच हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको आपको अभागेपन और भिखारीपन का एहसास होगा, आप उसको बदलना चाहेंगे। तो ऐसा प्रेम होता नहीं है, इसको कामना बोलते हैं। तो अटैच होना कोई जरूरी है तो फिर वो तो बंधा हुआ प्रेम है, मुझे लगता है वो प्रेम नहीं है। तो अटैच अगर माँ कोई बच्चे से अटैच बिना अटैच हुए भी प्रेम करती है ना, वो कोई अटैच होके थोड़ा ना प्रेम करती है। उसको बस उसको अपने बच्चे को कुछ देना होता है, उसकी परवरिश करनी होती है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ देने की इच्छा पैदा हो रही होती है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेन हो रहा होता है। वो हर समय वो देती है कि भाई अपने बच्चे को क्या दूं क्या दूं। वो जब वो उसको अपने अपने यूरिन भी पास करना होता है तो उस माँ को ख्याल आ जाता है। प्रेम तो एक हो जाना होता है, अगर वो बच्चा कुछ ना भी दे तो भी माँ तो प्रेम करती है, वो निर्मल प्रेम है, वही सच्चा प्रेम है। कामनाओं से दूर हटाना ही तो आज मेरे इस लेक्चर का बेसिक ऑब्जेक्ट है। आप कामना करो ही मत ना, आप किसी की बेहतरी बस चाहो और बस चाहो। मुझे लगता है कि ये एक अलग डायमेंशन का प्रेम है जो कृष्ण का प्रेम है, और वो संसारी लोगों का प्रेम जिसकी तुम बात कर रही हो वो कामनाओं से ग्रसित प्रेम है, और वो अटैच होना है। कृष्ण कहीं अटैच हुए ही नहीं, ना तो अर्जुन से अटैच हुए, ना भी अभिमन्यु से अटैच हुए, ना वो द्रौपदी से अटैच हुए, ना वो राधा से अटैच हुए। और जब उनको आंख, इसका ये भी मतलब नहीं है वो संवेदनहीन हो गए हो, उनकी आंखों में जहाँ जरूरत थी वहां आंसू भी आते थे। सो उस डायमेंशन, उस अलग डायमेंशन की बात कर रहा हूँ बेटा। सर एक क्वेश्चन और जो हमें आदित्य सर के थ्रू मिला है, एक स्टूडेंट है साइंस डिपार्टमेंट की, उनका नाम है पूजा साइकिया। तो उन्होंने ये पूछा है कि जैसे कि हम लोग सोसाइटी में, हम समाज में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो हम जानते हैं कि सुख और दुख चलते रहते हैं। तो एक फैमिली मेंबर या कोई, उन्होंने जो स्पेशली मेंशन किया है कि अगर कोई पेट भी हमारा चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम इस दुख से, इस पीड़ा से अपने आप को कैसे बाहर निकालें। पूजा साइकिया मैम इज दी मैम ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ओके मैम, ओके। अच्छा 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 अच्छा, तो किससे बाहर निकाले मैम एक बार प्लीज, पार्टन। उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम द ग्रीफ ऑफ ए लव्ड वन, कि अगर हमारा कोई लव्ड वन, हमारा कोई प्रिय हमें छोड़कर चला जाए, कोई फैमिली मेंबर या पेट, तो इस दुख से, पीड़ा से, जी हाँ, इस दुख और पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाए। इसलिए प्रेम के आगे की सीढ़ी को ज्ञान कहते हैं। और आप माने ना माने, इस सेशन के अंदर जो सैकड़ों लोग जुड़े हुए होंगे, उन सबको एक दिन जिस दुनिया से जाना है, आप माने या ना माने, दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और जब इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि वी आर फॉर द लिमिटेड पर्पस, हम लिमिटेड टाइम एंड पर्पस, तो वो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। अगर आप रो रहे हैं, अगर आप
आप आप आपको आपको दुख हो रहा है, तो इसका मतलब है लैक ऑफ नॉलेज। प्रेम आगे ज्ञान में भी बदलता है। तो मेरे को लगता है हम सबको ज्ञानी होना चाहिए, हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए हमारे को कि हम सबको जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आया या गया, पर जो आया वो प्रेम से भरा हुआ था, जो गया वो भी प्रेम से भरा हुआ था। हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन उस लिमिटेशन का, जो इंसानी तत्व की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। फर्क इससे नहीं पड़ता आप कितने लंबे समय साथ रहे थे, फर्क इससे पड़ता है कि आप किस क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रूबरू हुए थे। तो जो मिला उससे संतुष्ट रहना प्रेम, जो नहीं, जो अब नहीं मिल रहा उससे दुखी होना प्रेम नहीं है। प्रेम ज्ञानमय भी होना चाहिए, प्रेम के अंदर नॉलेज भी होना चाहिए, प्रेम में स्वीकार्यता भी होनी चाहिए, प्रेम में समर्पण भी होना चाहिए, प्रेम में ईश्वर तत्व भी होना चाहिए, और ईश्वर की हर एक डिसीजन का सम्मान करने का करने करने की शक्ति भी होनी चाहिए। सर वन लास्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है अंजलि पंडित, वो ये पूछ रही है कि इट्स इजी टू से कि हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना करें, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखना। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखें? एक और सवाल अभी मेरे सामने आया, सिया ना, वो अपने ब्रदर के बारे में पूछ रहे हो, उसे भी ले लेना। अभी आपने मुझसे पूछा कि, अभी आपने क्या पूछा मैं मुझसे? सर कि कोई भी एक्सपेक्टेशन हम ना रखें, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ हाँ हाँ, कोई भी एक्सपेक्टेशन हम ना रखें, क्योंकि वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, आज हम सुबह उठे हैं तो कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से हो रही है, वो जरूरी नहीं है हम एक्सपेक्टेशन रखें। तो अगर 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 आंखें हैं तो कुछ देखेगी, कान है तो कुछ सुनेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन हो इससे कारण सुने, ऐसा जरूरी तो नहीं। प्रेम अपने आप अपनी अपनी सर्वोच्चता को पा लेना है। अगर आपको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है तो आप किसी अपेक्षा से ड्राइंग बनाएंगे तो सब स्टैंडर्ड बनेगी। अगर आपको गाने की इच्छा हो रही है और आप किसी अपेक्षा से गाना गाएंगे तो गाना उतना अच्छा नहीं होगा, हालांकि गाएंगे पैसा भी मिलेगा लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो ये एक राज की बात है, सीक्रेट है, ये कृष्ण का मैसेज है कि आप जो है बिना कामनाओं के, बिना एक्सपेक्टेशन के वो करें जिसके लिए आप बने, आप देने की भाव से भरे हो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, क्योंकि हमारे को बचपन से कुछ पाना ही सिखाया गया है, जीतना ही सिखाया गया है, नंबर वन आना ही सिखाया गया है। इसलिए हमें लगता है कि लक्ष्य होना चाहिए, बहुत प्रतिस्पर्धा है, पहला नंबर आना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ ड्रीम होने चाहिए। पर स्वाभाविक रूप से काम कर सकते हैं अगर अगर, और देखेंगे जो स्वाभाविक रूप से काम हुए वही सर्वश्रेष्ठ काम हुए, जो स्वाभाविक रूप से काम हुए वही। कृष्ण ने जो युद्ध लड़ा उसमें उनकी कामनाएं थोड़ी ना थी, उनकी कोई बाध्यता थोड़ी ना थी, बस जीवन है तो कुछ तो करना है, जो सबके हित में हो वो करना है, जो दूसरे को देना है वो करना है, कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ समाज का हित करना है। क्या इसको लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता? क्या अपने हित को हमेशा साधते हुए आगे बढ़ना प्रेम हो सकता है? और आज हमारे सब लोगों की इसी बात में तो होड़ लगी हुई है कि हम अपने इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल करें, अपने आप को कैसे ऑप्टिमाइज करें, पूरी अकाउंटेंसी, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पूरा ऑपरेशनल रिसर्च, पूरे क्वांटिटी टेक्निक में सेल्फिशनेस से तो सिखाई जा रही है, पर वो सिखाई जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम सुप्रीम चीज है। वो एक लक्ष्य, एक डायमेंशन, उसको आप पाना है, पर वो सर्वोच्च नहीं है, वो सेल्फिश होना है। तो मुझे लगता है बिना कामनाओं के भी प्रेम किया जा सकता है। आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने इंटरेस्ट को पहचानेंगे, तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कुछ काम ऐसे करें जिसमें स्वार्थ ना हो, तो धीरे धीरे काम करना भी सीखेंगे। आप चाहे कुछ भी एक काम कर, आप एक दो काम ऐसे सुन लीजिए, चाहे आप किसी भिखारी को कुछ खाना खिलाकर देख लीजिए, आपको अच्छाई का एहसास होगा। तो आप अपने जीवन में कुछ जो आपको उचित लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब टीचर्स एक बच्चों को प्रोजेक्ट दे, हर फादर हर मदर अपने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे जिसमें उनको 100 रुपए दिए और उनको ये बताया जाए 50 रुपए अपने पे खर्च करना और 50 रुपए जो है कि किसी दूसरे को अर्थ देने की भावना से खर्च करना, और फिर उनसे ये एहसास लेने को मजा आया। आप देखेंगे आप धीरे धीरे बच्चों को प्रेम सिखा रहे होंगे। प्रेम इज वेरी क्रिएटिव। सर एक स्टूडेंट और है राखी शर्मा, वो ये पूछना चाहती है कि हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, क्योंकि जब हम इस तरह की अच्छी बातें सुनते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं,
बट जब भी हम सर्कमस्टेंशियल होते हैं फिर वापस से हम लैग कर जाते हैं. हम हर वक्त अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? मोनिका मैम, वो मोटिवेटेड रखना बहुत आसान है जब आप हर समय कुछ सीखते रहते हैं. आप कभी कभी सीखते हैं तो कभी कभी मोटिवेटेड रहेंगे. पर आपको अगर पता है कि मेरे को हमेशा रोजाना कुछ सीखना है, मैं रोजाना अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहती हूँ, तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा. अपने आप कुछ नहीं मिलता. अगर आपको वेलवेट घास भी लगानी होती है तो मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप नहीं लगती वो घास. सो अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा कुछ अच्छा श्रुति करना पड़ेगा, कुछ अच्छा सुनना पड़ेगा, कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा. तो आप ही की इच्छा है कि आप सेल्फ ऑटोमेटिक बने या आपको कोई दूसरा चलाए. मैं नहीं चाहता किसी इंसान को कोई दूसरा चलाए, कोई महाराज चलाए, कोई महात्मा चलाए, कोई ग्रंथ चलाए. आप खुद अपने आप को चलाइए, आप खुद रोजाना पढ़िए, आप रोजाना कुछ वो सीखिए जो कल किशोर पैदा हुए. अगर आपने गूगल गुरु को बना रखा, गुरु गूगल को बना रखा है, तो भी गुरु का इस्तेमाल अपने जिज्ञासा के कारण कीजिए. आप गूगल में वो ढूंढिए जो आपके सवाल कल पैदा हुए. तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहने पड़ेंगे, क्योंकि हर सवाल जो है रेडीमेड नहीं होता, टेलर मेड होना चाहिए. मैंने आज जवाब दिए, हो सकता है कुछ लोगों के सवाल रहे होंगे और कुछ के ना रहे होंगे. तो टेलर मेड होनी चाहिए क्वेश्चन, और रोजाना ढूंढा जाना चाहिए, जो जिज्ञासा की जानी चाहिए. जी सर, आपके पास एक क्वेश्चन था, अभी आपने बोला था. क्या पता कोई एक क्वेश्चन अभी आया था इसके ब्रदर के बारे में. ये क्वेश्चन है कि मेरे ब्रदर की लव मैरिज हुई है. जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी तो भाभी को वो टाइम दे पाते थे, पर अब भाई और भाभी और भाई में लड़ाई होती है कि वो टाइम नहीं देते ज्यादा, क्योंकि तो उसका कारण है वो प्रेम में वासना छुपी होगी, कामना छुपी होगी, खुदगर्जी छुपी होगी, आकर्षण छुपा होगा. वो दूर हो जाएगा तो फिर वो प्रेम खत्म हो जाता है, वो टाइमिंग होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है. पर अगर वो वास्तव में सच्चा प्रेम हो तो कभी खत्म नहीं होता, फिर वो हमेशा बना रहता है. तो इसका तो सीधा सा मतलब है, वो बॉडी लेवल पे प्रेम था, वो हार्मोनिक लेवल पे प्रेम था, वो कामनाओं से भरा हुआ प्रेम था, वो पूरी और वो बॉर्डम भी लेकर आता है. मैंने आपको कहा था अगर वो बॉडी लेवल का प्रेम है तो वो थोड़ी देर बाद बोर कर देगा, बोरियत लेकर आएगा. तो उनको यही कहना है कि वो प्रेम को सच में पहचानना सीखे. अगर पहचानेंगे तो वो बता पाएंगे. दोनों तरफ कमी रही होगी, एक तरफ भी कमी हो सकती है. जहाँ कमी है, जहाँ प्रेम में विशुद्धता है, उस विशुद्धता अशुद्धता को दूर किया जा सकता है, उसको प्योर किया जा सकता है. वो समझे कि बॉडी तो एक बहुत छोटी बात है, असल में भावना उससे बहुत बड़ी बात है. तो वो चाहे तो अभी भी कोई बहुत समय नहीं गुजरा अपने और मेरे को लगता है अगर दो लाइफ पार्टनर हो और एक भी सुलझ जाए, एक भी प्रेम से भर जाए, तो कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता. इसलिए हिंदुस्तान में की गई शादियां सस्टेनेबल होती है. अब ये वो अलग बात है कि आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो गए, इसलिए हमारी शादियां भी टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि वो पाश्चात्य शादियां होती है, वो उसी चीज को देखकर पैदा हुई होती है. तो अगर वो चाहे उनमें से एक भी चाहे अगर वो, तो मेरे को नहीं लगता कि उनमें कोई ब्रेकअप हो सकता है, पैचअप हो सकता है, अगर एक सच्चे प्रेम को समझ जाए तो. सर, एक स्टूडेंट है कोमल राठौर, अपनी अपनी कॉलेज से ही, तो उनका क्वेश्चन यह है कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन. तो अगर कोई आपका ट्रस्ट तोड़ दे, आपका विश्वास ही खत्म कर दे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसके साथ कैसे प्रेम आगे रखा जा सकता है? अभी मैंने बताया था कि प्रेम अपने दोस्तों से नहीं होता, अपने दुश्मनों से भी होता है. और आप अगर अपने दुश्मन को भी परिवर्तित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन जो बहुत जन्मों जन्मों से बने हैं या सालों से जो आपके दुश्मन बने हैं, वो भी आपके दोस्त बन जाए, तो आपको आपको उनको गुड फीलिंग देनी पड़ेगी, उनके लिए प्रेयर करनी पड़ेगी. लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते. हम अपने दुश्मनों से नफरत करने लग जाते हैं, उनके लिए बद्दुआएं करने लग जाते हैं, और आप उनके साथ और बंधन में बंध जाते हैं. सो अगर कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार भी करे, तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करके अपना परिचय दे कि देखे कौन हारता है, बुराई के साथ बुराई हारती है या बुराई के साथ अच्छाई जीतती है. ये सब करके देखने की बातें हैं. आपका जीवन है, आप उसके साथ अच्छा ही करें. आप तो मुक्त होंगे, गुनाह हो सके तो कोई बात नहीं, आप तो मुक्त होंगे, लेकिन आपको भी अपराध भाव होगा जब आप भी बदले की भावना से भरे होंगे. आप दूसरों को नहीं बदल सकते, पर आप खुद को तो बदल ही सकते हैं, आप खुद को तो अच्छा बना ही सकते हैं, आप खुद को तो मुक्त कर ही सकते हैं, चाहे दूसरे ने आपको किया ना किया. पर आप जब दूसरे को भी मुक्त करते हैं, दूसरे की बदले की भावना का भी जवाब प्रेम और मोहब्बत से देते हैं,
तब आपको आपकी हैसियत का पता चलता है, तब आपको पता चलता है आप सच्चे प्रेम के करीब है या एक दिखावटी प्रेम में गुजर रहे थे, आपको पता चलेगा ये बात। अच्छा, और कोई क्वेश्चन टीचर्स या स्टूडेंट्स की तरफ से? मैं क्या थे, सब क्वेश्चंस हो गए हैं अभी। डॉक्टर साहब इसका प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आयुर्वेद में डॉक्टर साहब जो है पूरे जीवन ये कितना उपयोगी था और स्वस्थ रहने के लिए कितना आवश्यक था, आप माइक को अनम्यूट करके डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर सुरेश हमारे बीच में जो आयुर्वेद के से हैं और डॉक्टर साहब बहुत अनुभवी हैं, पर मुझे बहुत उपयोगी लगा, हालांकि लोग मजाक। गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग सर। आज का प्रोग्राम जो हुआ बहुत ही जीवन के लिए उपयोगी है जी, और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि प्रेम में यदि जहाँ काम क्रोध बद लोभ और ईर्ष्या जहाँ आ जाती है बीच में, वहां प्रेम नाम की चीज खत्म हो जाती है। और सारे जो 34 पॉइंट आपने जो बताए हैं वो एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा उपयोगी है जीवन के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज बहुत सीखने को मिला मुझे भी, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मुझे मौका मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिलप्रीत कौर मैम थोड़े सीरियस से दिखाई दे रहे हैं, अभी नई नई शादी हुई है मैम की, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। दिलप्रीत मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यंग लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि बाद में तो अनुभव से सब सीख ही जाते हैं। दिलप्रीत कौर मैम बताइए, आपकी ये जो आज की चर्चा थी वो कितनी रियलिस्टिक थी और यूथ के लिए कितनी उपयोगी है? जी सर, बिल्कुल रियलिस्टिक रही है, क्योंकि हर इंसान जो है वो प्रेम से ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसे अपन बात करें तो अपन इंडिविजुअल्स तो बहुत है, पर एक प्रेम ही है जो हमको इंडिविजुअल्स को एक कॉमन जो बॉन्डिंग जो है वो प्रेम से ही मिलती है। और जो आपका लेक्चर था उससे मैं ये बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई कि मेरी मदर इन लॉ का जो मेरी तरफ जो है प्रेम है उसको बहुत ज्यादा मैं इससे बेटर समझ पाई, क्योंकि उनका बहुत ही अनकंडीशनल लव है। अपन अपने खून के रिश्तों से तो हर कोई अफेक्शन जता लेता है, लेकिन उनके साथ मेरा खून का रिलेशन नहीं है, फिर भी उनका जो अपनी मेरी और मेरी जेठानी दोनों बहुओं की तरफ जो उनका प्रेम है वो बहुत ज्यादा मेरे लिए, मतलब मैं इसको बेटर तरीके से समझ पाई बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल इनकरेज करते हैं कि भाई आप दोनों अपना वर्क करें, मैं घर संभाल लूंगी, आप जाओ अपना करियर पे फोकस करो, मैं थोड़ा घर देख लूंगी। तो बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा उनका अनकंडीशनल लव है, वो थोड़ा और बेटर तरीके से समझ पाई आपके सेशन। वेरी नाइस वेरी नाइस। और आपका नाम तो वो प्रेम का सर्वोच्च नाम है, दिलप्रीत। तो लानी है जीवन में, तो मैं तो देखोगे ज्यादातर लड़कियों का नाम प्रेम के आसपास ही घूम रहा होता है ना, किसी का अनुराधा, किसी का प्रिया, किसी का प्रियंका। तो प्रेम इज ए डिवाइन फोर्स ऑफ लाइफ। सो और मुझे लगता है कि अगर पुरुष अगर ईश्वर को पाना चाहता है तो पहले वो ध्यान को तलाशता है, लेकिन अगर महिलाओं को प्रेम ईश्वर पाना होता है तो प्रेम के रास्ते पहुंचती है। तो आप सब लोगों का तो पाथ ऑफ सक्सेस या वो लव है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सो आप सब लोगों को आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम सबके साथ साथ आपने आज संडे के दिन हम सबके लिए टाइम निकाला इतने प्यारे से सेशन के लिए, सो हम सबकी तरफ से सर आपको बहुत सारा थैंक यू, एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन। डेफिनेटली हम आपकी सारी चीजों को पढ़कर उनको अपनी लाइफ में जरूर उतारने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन क्लैप फॉर सर।